Assalamualaikum and a very good morning. Expresso में आपको खुशामदीद कहेंगे. ये है इमरान हसन. Good and healthy morning. Yes, this is अनुल हसन. इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज भी आपके दिन का आगाज बहुत खूबसूरत हुआ है. नहीं हुआ तो करने की कोशिश करते हैं. वैसे दरमियान में होता है ना, ब्रिज करता है. वेंसडेज जो होता है ना, वो ब्रिज करता है वीक के स्टार्ट को एंड वीकेंड को. तो आज से जो उतराई है ना, वो शुरू हो जाती है. आई मीन टुवर्ड्स वीकेंड. अच्छा, तो हेल्दियर मॉर्निंग मैंने क्यों कहा है? क्यों कहा? आप बहुत सारे लोग हैं जो नाश्ता ही नहीं करते सुबह घर से जाते हुए. आप यू वन ऑफ देम, राइट? आई डोंट नो, ये मेरे पे अभी इंकशाफ हुआ. बहुत सारे लोग नाश्ता नहीं करते, तो ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है. क्योंकि शो के मुझे लगता है सुबह सुबह मुझे कुछ खाना बहुत मुश्किल लग रहा था. मोस्टली लोगों से जब बात करते हैं, बच्चों को भी मुश्किल लग रहा होता है, पता है? बच्चे भी नहीं खाते. लेकिन हम शो के बाद नाश्ता करते हैं. कोई बात नहीं, आप नाश्ता करें. नहीं की ये तो कॉफी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. और हमारा एक्सप्रेसो शो भी देखिए. एक्सप्रेसो शो भी देखिए. अच्छा, ये कह रही थी कि हम थोड़ी मौसम की बात कर लेंगे. मैंने कहा मौसम अच्छा तो गुजर गया, तो आज हम क्या बात करें मौसम की. अल्लाह करे फिर अच्छा हो तो फिर हम बात कर लेंगे. हाँ वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी आ रही है थोड़ा थोड़ा, आपने उसका भी ख्याल रखा है. लेकिन उसके साथ साथ जी, अभी हमें सुबह भी देख रही थी और इमरान से भी हम शेयर कर रहे थे कि मलाला यूसुफजई का वॉग मैगजीन में इंटरव्यू आया और उसके साथ साथ जी उनकी शलवार कमीज में जिस तरह से हम देखा कि उनका कवर, वो एक इसका इसके हाइलाइट्स ये हैं. हाँ, ये हाइलाइट्स ये हैं. और मलाला यूसुफजई के हवाले से जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बड़ी तारीफें लिखी. नोबेल प्राइज होल्डर है और जिस तरह से ब्रिटिश वोग जुलाई 2021 में इनका जो ये शाया हुआ है वॉग मैगजीन, जिसमें मलाला यूसुफजई को एज अ हीरो प्रेजेंट किया गया और जिस तरह से इन्होंने काम किया है खवातीन के लिए स्पेशली, और जिस तरह से यहाँ पे सवात के अंदर तालिबान की मौजूदगी में रहती रही, जो उनके साथ वाकयात और सानियात हुए, उनको भी इस इंटरव्यू में कोट किया गया और उसमें उनको अप्रिशिएट किया गया कि इतनी हर्डल्स के बावजूद मलाला यूसुफजई ने इंटरनेशनली बल्कि ग्लोबली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बड़ा एक पॉजिटिव इमेज दिया, हर तरह से खवातीन के हवाले से भी काम किया. सो वॉक के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम बहुत ग्लैमरस कवर शूट्स देखते हैं इनके, लेकिन स्टिल मलाला का उन्होंने ईस्टर्न अटायर के साथ ये शूट उनका पब्लिश. बिल्कुल, और समा बड़ा प्रेस्टीजियस भी है पाकिस्तानी शख्सियत के लिए. मलाला पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं. नोबेल प्राइज तो उन्होंने लिया ही, बच्चियों की तालीम की खातिर उन्होंने बड़ा काम किया है और कर भी रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है. हमने कहा सुबह सुबह जरा एक पॉजिटिव वाइब से स्टार्ट करते हैं. अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए हर उस काम के लिए जो वो करना चाहते हैं और उनको सपोर्ट कीजिए, वो भी इंशाल्लाह एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेंगे. आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं आज की हेडलाइन. ऑपोजिशन मुश्किल का शिकार, इनकी हालत पर तरस आता है. वजीर आजम ने मुखालफीन को फिर आड़े हाथों ले लिया. बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के बुजदिलाना वार, 4 FC एहलकार शहीद, 8 जख्मी. फायरिंग में 5 दहशत गर्द मारे गए. पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का जोर टूट गया. मस्बत केसेस की शरह यौमिया 2000 से कम होने लगी. सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में सना हमायूं बताएंगी शौहर की बीवी से मोहब्बत की दास्तान बयान करते सोबिया महल के बारे में. बाएं हाथ से बुनियादी काम करने वाले किसी बीमारी का शिकार होते हैं, प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे. उर्फ नन्ना को मदाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए. हेडलाइंस तो आपने देख ली. PSL का फाइनल अनाउंस हो गया, लेकिन हमें ये नहीं पता फाइनल होगा कैसे. फाइनल कैसे होगा, बाकी मैचेस के बारे में अभी नहीं पता. और दूसरा, आज नन्ना साहब को भी हम याद करेंगे. क्या कमाल आर्टिस्ट थे, बहुत ही जबरदस्त. और कहा जाता है कि बहुत सारी जो इनकी वो जुगते होती थी बात, वो स्क्रिप्ट से हटके होता था. स्पॉन्टेनियस फिल्म के दौरान भी ये बातें मुनव्वर जरीफ साहब, नन्ना साहब ही कर जाते. इस पर बात करेंगे. खैर, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर. ठीक है, गुज़िश्ता रोज़ हमने गवर्नमेंट की मुश्किलात के बारे में बात की थी, उनको डिस्कस किया था. आज हम ओपोजिशन की मुश्किलात पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा काम है तबसरा करना और हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस वक्त करंट सिचुएशन है क्या. करंट अफेयर्स के अंदर इस वक्त ओपोजिशन जमातें धड़ेबंदी और तकसीम का भी शिकार हैं. सितंबर 2020 में ओपोजिशन की 11 जमातों का एक इत्तेहाद हुआ था, याद है आपको? उसको PDM का नाम दिया गया था. PDM ने, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, गवर्नमेंट के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाकर उसे घर भेजने का टारगेट था. और मरियम साहिबा कहती थी कि दिसंबर जनवरी में हम गवर्नमेंट चली जाएगी. बिलावल साहब भी यही कहते थे और वो दोनों फिर अलहदा हो गए. फिर यूं हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे. गवर्नमेंट के खिलाफ नारे भी लगाए जाते थे, बड़े बड़े जलसे जुलूस हुए, मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए, गवर्नमेंट को घर भेजने के ऐलान किए गए, बार बार डेडलाइंस दी गई और आर पार की भी बात हुई. बिल्कुल, धरनों का ऐलान किया गया, इज्तिमाई इस्तीफों के एटम बम चलाने की धमकियां दी गई. पहले जनवरी, फिर मार्च, फिर ईद के बाद लॉन्ग मार्च के ऐलान हुए, तहम
पीडीएम हतमी मरहले में पहुंचने से पहले ही तकसीम हो गए। इख्तलाफात के बाइस पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम को छोड़ गई, जबकि अपोजिशन जमातों में बयानबाजी का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। ताने दिए जा रहे हैं, संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पीडीएम की नाकामी का मलबा एक दूसरे पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। एक दूसरे को जिस तरह से हमने कहा ताने दिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ मुस्लिम नून में भी धड़ेबंदी हमें नजर आना शुरू हो गई है। बिल्कुल, और नून लीग मफामती और मजामती बयानी के दरमियान कुछ कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। शहबाज शरीफ मफामत चाहते हैं, नया इमरानी माहिदा चाहते हैं, लेकिन मरियम नवाज ग्रुप हम अगर कहें तो गलत नहीं होगा, वो मजामती बयानियों पर डटा हुआ है। अपोजिशन की इस तकसीम पर गवर्नमेंट बज़ाहिर मजबूत नजर आती है और वजीर आजम पुरेतमाद नजर आते हैं। और कल तो वजीर आजम ने आज हमारी एक्सप्रेस की हेडलाइन भी है कि जी अगली हुकूमत जो हमारी आएगी उसमें पाकिस्तान तरक्की करेगा। ज्यारत में वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि न सिर्फ पीटीआई अपने 5 साल पूरे करेगी बल्कि आइंदा 5 साल भी पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी। और वजीर आजम ने तंज भी किया अपोजिशन पर और कहा कि अपोजिशन गवर्नमेंट को गिराने निकली थी, अब अपोजिशन की हालत देख के तरस आता है उनको। बिल्कुल, उनको तरस आ रहा है। और तरस क्यों आ रहा है इमरान? वैसे हर कोई एक दूसरे पर तरस खाने में लगा है। अभी जो पोलिटिकल सिचुएशन हो रही है, जिस तरह से कल हमने इमरान ने आगाज में भी ये कहा कि हमने कल गवर्नमेंट की मुश्किल को डिस्कस किया, तो अपोजिशन की मुश्किल भी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ दिनों में जब से ये नई GDP के फिगर्स आए हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी वाकई रिलैक्स होना शुरू हो गई। और आज एक स्टेट बैंक की स्टेटमेंट मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में छपी है, उसके मुताबिक स्टेट बैंक ये कहता है कि हम बिल्कुल इस बात के करीब हैं कि जिन फ़ायदों का जिक्र वज़ीर आज़म अपनी तकरीरों में करते हैं या स्टेट बैंक या हमारा ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो इशारी हमें बताता है, हम बिल्कुल इसके करीब हैं कि अब उसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो जाए। आपको मालूम है कि हम मुसलसल इस बात पर कम अज़ कम अपनी इस्तात की हद तक मीडिया के ऊपर मुसलसल इस पर बात करते हैं कि जी अगर मैक्रो लेवल के ऊपर बेहतरी आ रही है, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि जी इन्फ्लेशन रेट कदरे कम हुआ है, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी रेमिटेंसेस बहुत अच्छी हैं, हमारा जो डेफिसिट है वो कम हुआ है, हम सरप्लस में गए हैं, तो इसका फायदा आम आदमी को क्यों नहीं पहुंचता? तो अब स्टेट बैंक ये कहता है कि हम करीब हैं इस बात के कि इसका फायदा आम आदमी को। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब की भी एक बड़ी दावा सामने आया, उन्होंने कहा जी कि मौसी शारिये बेहतर हो रहे हैं, उसके साथ साथ अगर महंगाई में इजाफा हुआ है तो लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ी है। लेकिन आई डोंट थिंक सो। लेकिन बहुत सारे लोग जो इमरान खान गवर्नमेंट से परेशान है, जब से कल से उन्होंने स्टेटमेंट सुनी है कि अगले 5 साल भी इमरान खान है, तो कुछ मीम्स भी बड़ी जबरदस्त चल रही है कि अभी तब्दीली आधी आई है और बाकी आनी है 5 साल में। खैर, मैं खुद उन लोगों में से हूं जो बड़े परेशान हैं कि अगर अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के और उसके पहले 3 साल ऐसे हैं जैसे गुजरे हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हो सकता है, यू नेवर नो, हमें एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। वैसे अच्छी उम्मीद पे ही हमने इलेक्शन में मेरे ख्याल से बहुत सारे उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने सपोर्ट भी किया था कि पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। और जिस तरह से धरने जलसे जुलूसों में दावे किए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से, मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, कि हम आपकी तकदीरें बदलेंगे, घर देंगे आपको, बेसिक नेसेसिटीज देंगे, महंगाई कम होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बुनियाद पर वोट बैंक किया गया था अपना इकट्ठा। लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट आई, ऑब्वियसली उनके लिए चैलेंजिंग थी और आवाम बड़ी हमें स्टार्ट में ही मायूस नजर आई, और अब जो जो उनके हामी थे वो काफी नाला नजर आते हैं। वैसे जो मंसूबे इस हुकूमत ने शुरू किए थे वो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म मंसूबे थे, वो एकदम से डिलीवर हो नहीं सकते थे। और अगर इस 4th ईयर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर उन मंसूबों के कुछ नतज सामने आ भी रहे हैं, जैसे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे बैंक जाना हुआ और मैंने देखा वहाँ पे कि लोगों की एक बड़ी कतार थी, ये सिर्फ एक बैंक की मैं बात करूँ जो कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने की गर्ज से मौजूद थी। इसका मतलब ये है कि लोग इंटरेस्ट तो ले रहे हैं। अब ऑब्वियसली हमारा जो सनती सेक्टर है उस हमारा जो तामीरी सेक्टर है उसको एक सरत का दर्जा दिया गया है, गवर्नमेंट उस पर फोकस किए हुए हैं। एहसास प्रोग्राम बहुत बड़ा एक मुख्तलिफ उसके अंदर प्रोग्राम्स है और बहुत बड़ी अमाउंट्स हैं उसके अंदर, फिर हेल्थ कार्ड रिसेंटली जो दिए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये ईयर सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट की जो पोजिशन है उसके लिए एक डिसाइडिंग ईयर होगा, और इसके अंदर वजीर आजम साहब के जो मनसूबे हैं और उनकी जो टीम है वो डिलीवर करने में कामयाब हो गई। डिलीवर इन सेंस के आवाम को नजर आना शुरू हो गया कि जो मंसूबे इमरान खान साहब कहते आ रहे हैं, जैसे कि 1 करोड़ नौकरियां, जैसे कि 50 लाख घर, वो नजर आना शुरू हो गए, तो शायद थोड़ा सा पोजीशन अवाम की नजरों में बेहतर हो जाए। अवाम आपको पता ना भूल जाते हैं, बड़े मासूम लोग होते हैं, हमें जो जो वादे किए जाते हैं हम करते हैं, फिर अगर भूल जाते हैं तो। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि अगर लॉन्ग टर्म मनसूबे हैं और अगले इन्हीं सालों में अगर उनकी पोजिशन वाजे हो जाती है गवर्नमेंट की किस तरह से कि ये डिलीवर कर रहे हैं और पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से जो अगले 5 साल वाली बात है वो सही भी साबित हो। अगले 5 साल वाली
बात सही भी साबित हो सकती है। फैसला अवाम ने ही करना है, अवाम को ही करना चाहिए। साफ शफाफ इलेक्शन जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, और वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद हो सकते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर तमाम गवर्नमेंट्स आती हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट, अब पीटीआई की गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट्स आती हैं, इस पर बात करती हैं, थोड़ी बहुत इस पर डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन वो हो नहीं पाती हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस मुल्क के अंदर होनी चाहिए, और किसी भी डेमोक्रेटिक कल्चर को मजबूत करने के लिए अगर उसकी मजबूती की कोई बुनियाद है तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जिसके बाद सिस्टम इतना वाजे हो जाए कि कोई उस पर शक की गुंजाइश ना रहे, और जो भी हुकूमत आए अपोजिशन उसको बतौर हुकूमत कबूल करे, और हुकूमत अपना मैंडेट जो है वो हकीकी मैंडेट के साथ अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर नहीं होता है। और फिर आपको मालूम है कि उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इमरान, इसके साथ साथ अगर हम दोबारा से पीडीएम और अपोजिशन की भी बात करें, जिस तरह से गवर्नमेंट अगर उनको चैलेंजिंग का उस तरह से नहीं लग रहा, आपको लगता है कि जिस तरह से कल वजीर आजम और जितने दीगर वज़रा भी हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक करते हैं, उन पर से अपोजिशन का वो प्रेशर या वो दबदबा खत्म होता चला जा रहा है जब से ये पीडीएम का इंतजार हुआ है, और बहुत रिलैक्स और बहुत रिलीव नजर आ रहा है एक जानब। ये हुकूमत के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपोजिशन के लिए खतरनाक। अपोजिशन के लिए ऑब्वियसली कल उनका वोटर उनसे पूछेगा कि किस टाइप की अपोजिशन उन्होंने की, आपने को मफामती सियासत की आप बात कर रहे थे, वोटर जो है वो अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर चाहते हैं। आपको पता है कि सड़क पे जो मार खाता है, जेलें जो काटता है, जो परेशान होता है, वो वोटर होता है, वो वर्कर होता है, वो लीडर लीडरान कम होते हैं। तो जो वोटर एक अपनी पार्टी के लिए इतनी कुर्बानियां देता है, वो फिर हक बजाने होता है अपने लीडर से पूछने के लिए कि आपने मेरे राइट्स के लिए क्या किया। आज अगर डू यू थिंक कि आजकल हम एज अ नेशन या एज अ पब्लिक अपने लीडर से पूछते हैं कि उसने हमारे लिए क्या, मुझे लगता है हम तो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, वी आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स, क्योंकि अभी भी अगर आप जायज लिहाज से अगर कोई साफी भी किसी पॉलिटिशियन के ऊपर तनकीद कर दे तो उसको भी निशाना बनाया जाता है, और उसको भी रिलेट कर दिया जाता है कि लिफाफा साफत हो रही है। ये नहीं देखा जाता है कि क्या वो जो बयान कर रहा है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर वो ठीक है, आपके बिहाफ पे बयान कर रहा है, आपकी जबान बन के बयान कर रहा है। और दूसरी जानब ये बड़ा जरूरी है कि कोई ना कोई तो अकाउंटेबिलिटी करे। अब आवाम कितनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, असातिज़ा से लेकर डॉक्टर से लेकर स्टूडेंट से लेकर सब तो आके एहतजाज कर बैठे हर चीज के ऊपर। अल्टीमेटली जो अपोजिशन है वो जबान होती है आवाम की, और वो उन पॉलिसीज के ऊपर जो कि आवाम दुश्मन कह लें या आवाम के ऊपर प्रेशर बिल्ड करती है, और गवर्नमेंट कुछ मुश्किल डिसीजंस भी लेती है। गवर्नमेंट का हर फैसला ऐसा नहीं होता जो कि जिसको आवाम पसंद करें या पीपल फ्रेंडली डिसीजंस नहीं होते, मुश्किल फैसले भी होते हैं, लेकिन अपोजिशन इस मौके के ऊपर अपना रोल अदा करती है। और मौजूदा अपोजिशन शायद अपना वो बयानियां आवाम के हवाले से बिल्ट ही नहीं कर पाई। पहले दिन से आवाम के ऊपर तासुर यह गया कि शायद ये अपने मफादात का तहफ़ है, और हुकूमत ने भी इस इमेज को पक्का करने के लिए भरपूर काम किया, जी तो NRO मांग रहे हैं। और अगर पहले दिन से ये एहतजाज महंगाई के खिलाफ होता, आवाम के मसाइल के खिलाफ होता, तो शायद ये नहीं जाता। लेकिन हुकूमती वज़रा के मुताबिक वो अपोजिशन भी खुद है और हुकूमत भी खुद ही है, और वो ये सब काम खुद बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और अब जिस तरह से पीडीएम में इंतजार हमें नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के ऊपर से प्रेशर उस तरह से खत्म होता चला जा रहा है। तज्जियाकार भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपोजिशन को उस तरह से सीरियसली नहीं ले रही, किस तरह अगर इसीलिए अपोजिशन सही नहीं चल रही थी ना, तो गवर्नमेंट ने अपनी अपोजिशन अपने अंदर ही बना ली, हुकूमत है हम ही अपोजिशन। वो एक शेर भी कुछ इस तरह से है ना, जो भी दुश्मन मेरे बस से बाहर था उसको मैंने अपने अंदर मार दिया। गवर्नमेंट ने अपने अंदर से ही ओपोजिशन पैदा की है, और आज हम बहुत शायराना मूड में, शायराना मूड में और तबसरों के मूड में आज हमने कहा कि आज हम खुद आपसे जरा बात करते हैं पॉलिटिक्स के हवाले से। सो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किधर जा रही है, इस पे हमने बात की है। द बेसिक थिंग इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। दूसरी अच्छी खबर यह कि स्टेट बैंक कह रहा है कि जितने फायदे वजीर आजम साहब बता रहे हैं कि हमारी मईशत ठीक हो गई है, वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और तीसरी अहम बात यह है कि आप जब 2 साल के बाद फैसला करें कि अगले 5 साल कान नाक सब खोल के फैसला करें, फैसले नहीं करने। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बात सियासत की हो रही थी और सियासत के अंदर हलचल की हो रही थी, और इसी हलचल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ वजीर दाखला शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे जरा बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। अपोजिशन टाएं टाएं फिश हो जाएगी, ये आपकी बहुत पुरानी प्रेडिक्शन है और बार बार आप उसते नजर आते हैं। वो टाएं टाएं फिश होने के बजाय दोबारा से सफबंदी हो रही है। अब दोबारा से जब से शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, एक्टिव नजर आते हैं, तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में हुकूमत को एक बार फिर कुछ खतरात हो सकते हैं अपोजिशन की सफबंदी से? कोई नहीं, दो पार्टियां बाहर निकल चुकी हैं मेजर, जो एक की सिंध में गवर्नमेंट है पीपीपी और एएनपी। एएनपी का जितना भी है केपीके में असर है, दो पार्टियां अंदर हैं फजल रहमान और नून लीग, बाकी क्या है मुझे नहीं पता कौन लोग हैं उधर। सिर्फ दो हम ख्याल रह गए हैं, एक मजहबी ग्रुप है और दूसरा सियासी ग्रुप है।
मैं नहीं देखता कि देखें जी 30 दिसंबर उनकी 6 महीनों की तहरीक चलाने के बस लास्ट डेट की जून बजट आ गया। बजट के बाद वैसे भी ठंड हो जाता, ठंड प्रोग्राम हो जाता है 4-5 महीने, तो बजट जो होता है वो एक एक्टिव वीक होता है या 10-15 दिन होता है, उसके बाद सारे लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, ये सबसे बड़ा इस वक्त खबर भी यही है और सबसे बड़ा एक थ्रेट भी सॉर्ट ऑफ नजर आता है बजट को लेकर। आपने मुझे 100% यकीन है कि वो बजट में इमरान खान को वोट देंगे, मुझे जरा सा भी शक नहीं है कि वो वोट नहीं देंगे। ये यकीन आपका हफीज शेख वाले इलेक्शन की तरह गलत ना हो जाए शेख साहब? हफीज शेख उसमें भी आप बड़े बड़े कॉन्फिडेंट हुआ, वो भी कोई अंदर से ही शरारत हुई, वरना खत्म तो नहीं हो रहा था वो भी। हो तो ये भी अंदर से ही रहा है शेख साहब, पार्टी के अपने लोग हैं। हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन बजट मंजूर होगा इंशाल्लाह। बजट मंजूर होगा लेकिन पार्लियामेंट में पीडीएम जमातें जो आपके बकौल रह गई हैं, दो जमातें मेन, और उसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट को बड़ा टफ टाइम देने का सोचा है बजट को लेकर। उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट के अंदर बजट रुकवाने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट को चैलेंज होगा इस हवाले से? लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट को अपोजिशन चैलेंज ना करे, वरना वो बैठी किस लिए, ये उसका राइट है कि करे। लेकिन होता वही है कि जो देखे ना, 3 दिन बाद सारे एमएनएस ने इमरान खान को एतमाद का वोट दिया। बजट अपोजिशन में जो भी होगा, जब भी होगा, जैसे भी होगा, वो तो ये कहेंगे ना कि हम टफ टाइम देंगे, वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम इनके साथ देंगे। कुछ नहीं होगा, तकरीरें होंगी, हुल्लड़बाजी होगी, शोर शराबा होगा, लेकिन बजट पास वही होगा। जो आप अक्सर ये क्लेम करते हैं कि आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं, अभी जो रिसेंट एक इंटरव्यू दिया कामरान खान को शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और ऐसा लगा कि वो अपनी पॉलिटिक्स को लेकर अब बड़े क्लियर हैं कि उन्होंने आगे कैसे चलना है। आपका क्या तबसरा है अगर इन दोनों भाइयों के दरमियान बात या मुलाकात होती है तो नून लीग की पॉलिटिक्स आप किधर जाती देख रहे हैं? मैंने तो साल पहले कहा था कि नून से शीन लीग की सोचों का इनखला होगा, और मैं नहीं समझता कि नून लीग में भी दो ग्रुप्स हैं, एक को शहबाज शरीफ लीड कर रहा है चाहे करार किया जाए या ना करे, और दूसरे को मरियम और नवाज शरीफ लीड करें, और मीडिया पे आके जो मर्जी कहें, लेकिन समझ वालों को पता है कि दोनों की सोचों में जमीन आसमान। शेख साहब एक पार्टी का भी तो बयानिया होता है ना, अगर लीडरशिप के ऊपर तकसीम है, आपके साथ में जो एमएनएस एमपीएस हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो किसके बयानियों को? पाकिस्तान में लीडर ही पार्टी का नाम होता है, शख्सी पार्टी, कोई नजरियाती पार्टियों का पाकिस्तान में शख्सी पार्टी है। पार्टी के अंदर आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ का बयानिया ज्यादा मकबूल है या नवाज शरीफ? ये नहीं, ये भी फैसला होगा, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में शख्सी पार्टी है, एक शख्स है जो सारी पार्टी का माई बाप है, बाकी सब वैसे ही मेरी तरह है। ठीक है शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमारे सामने रखा। और शेख साहब ये कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट बजट मंजूर होगा, लेकिन हमने उनको याद जरूर करवाया जब हफीज शेख साहब का सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, शेख साहब उसमें भी बड़े कॉन्फिडेंट थे और ऐसे ही उन्होंने कहा था, लेकिन वो फिर उल्ट हो गया, उन्होंने कहा अंदर से हो गया, तो ये भी अंदर से ही रखा है, देखते हैं क्या होता है। शेख साहब की राय हम तक पहुंची, ब्रेक लेनी है? बिल्कुल ब्रेक ले, अच्छा ब्रेक नहीं लेनी, हमारे प्रोड्यूसर साहब की रिक्वेस्ट है कि हमने अच्छा जी नन्ना साहब की बात करते हैं। बिल्कुल बात करते हैं, मारूफ अदाकार रफी खावर उर्फ नन्ना को, जिनके हवाले से इनको बदाव से बिछड़े 35 बरस बीत। बिल्कुल, और अदाकार नन्ना 4 अगस्त 1944 को साहिवाल में पैदा हुए, ये वैसे मुझे आज पता चला कि वो साहिवाल में पैदा हुए। अच्छा, कमाल अहमद रिजवी की ड्रामा सीरीज अलिफ नून से उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। जी जनाब, अदाकार नन्ना को हमने अपने शो पे ट्रिब्यूट पेश पूरे ट्रिब्यूट के अंदर मुस्कुराहटों की बात करके एंड पे हम सैड हो जाते हैं जब भी हम नन्ना की बात करते हैं। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस, और अब बात करते हैं इकॉनमी के हवाले से। कल मईशत की बात करेंगे, बेहतर मौशी अदाद शुमार का सिलसिला जारी है, गवर्नमेंट का दावा है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, सनअतें तरक्की करी हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, जबकि तरसीलातें ज़र बढ़ गई हैं। टैक्स रेवेन्यू की बात की जाए तो उसमें भी तारीखी इजाफा हुआ है, ज़रई पैदावार रिकॉर्ड हुई है जो बहुत ज़्यादा है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज एक के बाद एक रिकॉर्ड भी बना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा मज़ीद बेहतरी की खुशखबरियाँ भी सुना रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी है ना? हाँ, पता नहीं लग तो ये रहा है, बाज़ार बात तो यही की थी। वैसे इतनी अच्छी खबरें एकदम से हजम नहीं होती इकॉनमी के वाले। खैर, वज़ीर आज़म ने दावा किया जी कि मुश्किल वक्त गुजर गया,
अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम शोबों में वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुआशी तरक्की हो रही है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई बढ़ती जा रही है और ये सवाल भी फिर होता ही जा रहा है, होता रहेगा। दूसरी जानब इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल और मई की अगर बात करें तो दोनों माह में महंगाई मजीद बढ़कर डबल डिजिट यानी कि तकरीबन 11% तक पहुँच गई है। गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद चीनी और आटा बहरान मजीद है। इसके अलावा गोश्त की हम बात करें, अंडे, फल, दालें, अद्वियात, मुर्गी, इसकी कीमतें कंट्रोल में आ नहीं रही हैं और ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा एक खला मौजूद है, एक गैप मौजूद है गवर्नेंस के दरमियान, रेगुलेशन के दरमियान, आवाम तक जो प्राइसेज हैं उनके पहुंचने के दरमियान। फवाद चौधरी भी ये कहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर मामलात बहुत बेहतर होंगे। आपको यकीन आया कि ये पाकिस्तान की बात होती, अंडे, दाल, दूध? हाँ, ये दूसरे पैराग्राफ में आ गया मुझे, खबर हम पढ़ रहे हैं। खैर, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आबिद क्यूम सुलहरी साहब मौजूद हैं जो कि मायरे मईशत हैं, उनसे हम जरा हैं कि वो सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। वज़ीर आज़म साहब, वज़रा भी बार बार कहते हैं जो हमारी मईशत है वो मुस्तहकम हो रही है, जिस मौशी तरक्की की बात की जाती है बार बार, कि ये वाकई एग्जिस्ट भी कर रही है? देखिए, यहाँ पर आप दो तीन चीजें कंफ्यूज कर देते हैं और मैं शायद आपके प्रोग्राम में भी ये रिपीट कर चुका हूँ कि एक चीज होती है आपकी मईशत की तरक्की, जीडीपी का ग्रो करना, ये करंट अकाउंट सरप्लस हो जाना, फिस्कल डेफिसिट का कम हो जाना। दूसरी चीज है उससे मेरी आपकी कुव्वत खरीद में इजाफा होना और तीसरी चीज है किराए का कंट्रोल। ये तीनों चीजें जो है ये हुकूमत ही को करना होती है, प्राइवेट सेक्टर को इसमें साथ में मदद करना होती है, लेकिन ये हम अज्यूम नहीं कर सकते कि अगर माशी तरक्की होगी तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, या उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि मेरी और आपकी जो हुकूमत खरीद है वो बढ़ जाएगी। इसके लिए अलग से पॉलिसीज होती हैं। तो जब हम इस पर पॉलिसी डिस्कशन करते हैं जी डॉक्टर, असम्पशन ये रखनी चाहिए कि जी ठीक है, अब माशी तरक्की हो गई, जीडीपी ग्रोथ जो है वो आ गई, अगले साल के लिए भी अच्छी खबर, कौन सी ऐसी पॉलिसी जो है वो लाई जा सकती है कि वो हमारी कुव्वत खरीद में इजाफा करें। और फिर हमें देखना है कि वो महंगाई के जो फैक्टर्स आए रहे तो फिर कुव्वत खरीद में इजाफा करके वो तल्ब और रसद में जो एक मिसमैच है उसको कैसे नरम किया जा सकता है, या वो चीजें जो कि पाकिस्तान में पैदा होती है उनकी कीमत कैसे कम की जा सकती है। तो अगर इस तनाजर में ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपकी ऑडियो और वीडियो रुक रही है, भी सिग्नल्स का इशू होगा। मैं मीनवाइल एक सवाल इसी के कॉन्टेक्स्ट में कर लेता हूँ। ये जो कुव्वत खरीद के हवाले से आपने बात की, कल एक विफाकी वजीर ने भी कहा कि अवाम की कुव्वत खरीद में भी बेहतरी आई है, और दूसरी जानब स्टेट बैंक की एक स्टेटमेंट है, कल जो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया स्टेट बैंक के गवर्नर ने, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानब जा रही है और अब हम इस टारगेट के बिल्कुल करीब हैं कि हम उन मैक्रो लेवल के जो फवायद हुए हैं मईशत को, उनको हम डिलीवर करें और आम आदमी तक पहुंचाएं, यानी कि निचली सतह तक उनका असर हो। तो आपको लगता है कि वाकई स्टेट बैंक अब इस बात के करीब है जो हम कह रहे हैं कि हमने जो खसारा था उसको सरप्लस कर दिया, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो 7 अरब डॉलर से कुछ 16-17 अरब पे पहुंच गए, तो आपको लगता है कि आम आदमी तक इसके फवायद पहुंचना शुरू हो जाएंगे? देखिए, आम आदमी तक इसके फवायद 2-3 तरीकों से पहुंचेंगे। इस दफा भी स्टेट बैंक ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, आप देखें कि वो जो शराय सूद थी उसको आदमी को फायदा पहुंचेगा। इसी तरीके से अगर आप अगला बजट देखेंगे तो वहां पे हमें जो देखना होगा कि सोशल प्रोटेक्शन के लिए कितने पैसे एलोकेट किए जाते हैं, क्या वो पिछले साल से ज्यादा है या पिछले साल से कम है, एहसास प्रोग्राम में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उससे जो आवाम की कुव्वत खरीद है उसमें इजाफा होगा। इसी तरीके से हमें यह देखना होगा कि सैलरीज जो है उनको किस तनासब से बढ़ाया जा रहा है, तनख्वाहदार तबके के लिए जो मिनिमम वेजेस हैं जो कि पिछले 3 साल से नहीं बढ़ाई गई थी, उनको कहाँ पे लेके आया जाता है ताकि एक बेंचमार्क बन सके। हमें याद किया जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर हर जगह पे मिनिमम वेज वो नहीं देता जो हुकूमत मुकर्रर करती है, लेकिन कम से कम एक बेंचमार्क बन जाता है। अगर वो उस पर नहीं भी देता जो कि देनी चाहिए तो कम से कम उसके करीब तक वो प्राइवेट सेक्टर जरूर देने की कोशिश करता है। इस तरीके से बहुत से विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं जिनको के इस दफा खत्म किया जा रहा है बजट में, तो कुछ ऐसे आपको पॉलिसीज और कुछ ऐसे आपको नजर आएंगी चीजें जिससे कि कुव्वत खरीद जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा होगा, कुछ रिलीफ मिल रहा होगा। टारगेटेड सब्सिडीज जो है
उस पर बात की जा रही होगी कि वो कैसे देनी है। लेकिन जो तीसरा पिलर है कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, वो अभी भी अपनी जगह पे कायम रहेगा। उसके लिए आपको अलग पॉलिसी लेके आना होगी। तो ये तो महंगाई में कुछ फैक्टर, अगर तो वो टैक्सेस की वजह से, के लिए आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वेल्थ क्रिएट करे, वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, इसलिए उसी से वो अपनी नीड्स को मीट कर सकता है। हमने इससे पहले भी बड़े एम्बिशियस टारगेट सेट किए टैक्स कलेक्शन को लेकर 5,000 अरब तक, और इस दफ़ा कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ इस जून के महीने के अंदर, जो कि इस माली साल का आखिरी महीना है, तकरीबन 700 अरब FBR को कलेक्ट करने हैं अपने उस टारगेट को मीट करने के लिए। एंड देन वी आर एमिंग ऑलमोस्ट 6,000 अरब हम एम कर रहे हैं अगले माली साल के लिए, वो भी बड़ा एम्बिशियस है। फिर उसके अलावा वेल्थ क्रिएशन हमारी सिवाय सनती शोबे के, हमने कोई ऐसा शोबा लिया नहीं है जिसमें कुछ वेल्थ क्रिएशन हो या आने वाले वक्त के अंदर मुल्क के अंदर ज़्यादा बेहतर मौशी हालात हों, तो कैसे हम ये दावा कर सकते हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा? देखिए, वेल्थ क्रिएशन में एक चीज जो कि आज से शायद 5 साल पहले या इवन कोविड से पहले बहुत से लोगों ने उसको नहीं सोचा था, वो अब आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं। क्या हमने सोचा था कि इतना ज्यादा ये ऑनलाइन डिलीवरी और ऑनलाइन बिजनेसेस, और पाकिस्तान जो है वो अमेजोन में सेलर भी रजिस्टर्ड हो सकता है, जो बैन अवी ऑनलाइन एक बिजनेस की जो प्लेटफॉर्म है। तो ये ऑनलाइन मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑनलाइन हेल्थ, ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अभी जो आपका मौजूदा फार्मूला है GDP का, उसकी उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो कैप्चर ही नहीं होती हैं। तो यहाँ पे वेल्थ क्रिएट ज़रूर हो रही है। फार्मा सेक्टर को आप देख लें, फार्मा सेक्टर जो है वो फ्लरिश कर रहा है। टेक्सटाइल वगैरह जो है, इसमें वैल्यू एडिशन जो है वो होती हुई नजर आ रही है, और ये पहली दफा है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही है, और वो जो एक्सपोर्ट बढ़ रही है उसमें वैल्यू एडिशन की वजह से बढ़ी है। वरना अगर आप देखें कि चीज़ें कितनी भेजी गई, तो वो चीज़ें जो हैं वो क्वांटिटी उसकी कम हुई, लेकिन चूंकि आप वैल्यू एडिड है, रॉ मटेरियल से थोड़ा सा आगे निकले हैं, तो उसकी वजह से उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, जो जेंट्स सूटिंग है, जो फॉर्मल सूट्स हैं, वो पाकिस्तान बना के बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है। जो लेडीज वो उनके कपड़े हैं, फॉर्मल अटायर। लेकिन हमें इस पे प्लानिंग और स्ट्रेटजी पे काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आइंदा आने वाले बजट के हवाले से भी बात करें, कहा जा रहा है कि बजट में जो आवाम दोस्त होगा, रिलीफ दिया जाएगा, क्या अब रिलीफ देने में कामयाब होगी? जिस तरह से आपने स्टार्ट में भी कहा कि ये दो डिफरेंट चीजें हैं, बट स्टिल हम अगर इसको देखें तो आइंदा आने वाला बजट क्या आवाम दोस्त होगा? जी, कब मुझे इसमें, क्योंकि मैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी हूँ, जाहिर है बहुत सी चीज़ें आपके साथ वक्त से पहले डिस्क्लोज या डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि अभी तक की जो डिस्कशन है, और कल भी उसकी एक मीटिंग हुई है हमारी बड़ी 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, तो अभी तक की जो पॉलिसी मेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेने जा रही है, और जिसको के जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंशाल्लाह बजट स्पीच में अनाउंस कर रहे होंगे, काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं आवाम के लिए, और उसमें रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें जो कुव्वत खरीद बढ़ाने के लिए जो मेयर्स हैं वो हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है, और सबसे बढ़ के जो टैक्सेस का बर्डन है उसको इस तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है कि वो जो सारा बर्डन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर पड़ रहा था उससे निजात मिल सके, जो बिजनेस है इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। अगले सवाल के, ठीक है डॉक्टर साहब, अगले सवाल के दो हिस्से हैं और ये आखिरी सवाल भी है। पहला हिस्सा इसका ये है कि हमारी मईशत पे जो कोविड के हवाले से प्रेशर पड़ा था, उससे हम किस हद तक निकल पाए? हम एम भी कर रहे थे, एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी होगी, हम एक गरीब मुल्क हैं, मकरूज भी हैं, तो हमें सपोर्ट करी इस कोविड के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने हैरान कुन तौर पर, न सिर्फ पाकिस्तान कोरोना की सिचुएशन से निकला है, बहुत खूबी से निकला है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम शहरी हमारे इससे मुतासर हुए एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी जानब हमने ये भी किया कि हमने मईशत को भी उस तरह कोलैप्स नहीं होने दिया अल्लाह के फजल से, तो ये चीज़ें बेहतर रही हैं, ये तो एक रोज़े रोशन की तरह आया है। तो एक तो हम उस प्रेशर से किस हद तक हमारी मईशत निकल पाई है, ये निकल पाएगी नंबर वन, और दूसरा मैं आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाते हुए जो भारत के अंदर हुआ है, मैं चाहता हूँ इस पर भी जरा आप कॉमेंट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर बड़ी मखदूश सूरत हाल है इकॉनमी की, हमारा पड़ोसी मुल्क है और ऑलमोस्ट जो मईशत का पैटर्न है वो हमारा तकरीबन सेम ही है, डेमोक्रेसी का पैटर्न सेम नहीं है, तो इस पर भी जरा कॉमेंट मैं चाहूँगा आपका। देखिए, कोरोना ने जो एक आपको लेसन दिया है वो ये है कि ये इसका वेरिएंट या वायरस ये किसी एक मुल्क में हो तो ये वहां पे मुकैद दुनिया में फैलता है, और दूसरा लेसन ये दिया है भारत की तरफ अगर हम देखें कि कभी भी जब तक ये डिजीज मुकम्मल तौर पे ऊपर नहीं हो जाती और जब तक वैक्सीनेशन जो है मैक्सिमम लोगों को नहीं लग जाती, इस पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इसको फतह पा ली, चूंकि ये वेरियंट कभी भी एकदम से
बारे में हो सकता है। इसमें जब तक हमारी वैक्सीनेशन जो है और हुकूमत जो है भरपूर तरीके से फैसिलिटेट कर रही है, अब 18 साल से ज्यादा उम्र तकरीबन तमाम अफराद के लिए ओपन है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं, तो वैक्सीनेशन 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 ही इसका हल है। वरना भारत में भी इस पर फतह पा ली थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उनके हेल्थ मिनिस्टर ने जनवरी में ये दावे किए थे अपने जोम जमहूरिया पे भी कि भारत ने इस पे फतह पाई और पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया है कि मेड इन इंडिया सॉल्यूशंस के साथ किस तरीके से भारत ने कोरोना को शिकस्त दी और भारत करो जो है वो एक आलमी फार्मेसी है दुनिया के लिए, ये कहा था उन्होंने अपने स्पीचेस में। और उसके बाद फिर चंद हफ्तों के अंदर अंदर हमने देखा कि वहां पे सूरताल मखदूश हो गई। पाकिस्तान में भी बदकिस्मती से इस वक्त इंडियन वेरिएंट जो है वो ट्रेस हुआ है, 4 केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए हैं, इसी तरह से बाकी शहरों में भी। हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग उस तरीके से नहीं है, लेकिन इन केसेस का आ जाने का मतलब ये है कि खुदा खास्ता कभी भी ये सूरत हाल बिगड़ सकती है, ठीक है, तो हमें अपने जो विजिलेंट रहना पड़ेगा, अभी हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपने हमें और मईशत के हवाले से अहम मौजूदात पे बात की। वी होप फॉर द बेस्ट, ही बेहतर हो आम शहरियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। इस नोट पर ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू, अब मैं चुप कर गया हूं। मैं भी अब बात करेंगे कोविड के हवाले से। मुल्क भर में एक अच्छी बात यह है कि कोविड वायरस में कंट्रोल में आने लगा है और कोरोना की तीसरी लहर का भी जोर टूटना शुरू हो गया है। पॉजिटिव केसेस की बात की जाए तो उसमें कमी देखने में आ रही है, लेकिन सिंध में कोरोना की सूरत हाल अभी भी खराब दिखाई दे रही है। साउथ अफ्रीकन वायरस की तस्दीक के बाद भारतीय वायरस के भी 4 केसेस, ये ज्यादा अलार्मिंग है, ये इसको कंट्रोल करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। वैसे सिंध गवर्नमेंट कर रही है, इस हवाले से इकदाम उन्होंने किए हैं। वज़ीर आला सिंध ने खतरे की घंटी बजाई है और वो ये कहते हैं कि बढ़ते केसेस के बायस अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो चुकी है, जबकि एक्सपो सेंटर भी 80% भर चुका है। एक्सपो सेंटर बहुत बड़ा है और 80% भर चुका है, तो इट्स रियली अलार्मिंग। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए इस वक्त वैक्सीनेशन का अमल तेज़ हो गया है, जैसा कि हम मुसलसल आपको बता रहे हैं। चीन के तआवुन से पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन पाक वैक मुतारिफ कराई गई थी। इस हवाले से इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब का भी इनेकाद किया गया, आपको विजुअल्स भी दिखा रहे थे। मामले खसूसी डॉक्टर फैसल का यह दावा है कि आइंदा चंद सालों में पाक वैक वैक्सीन की मुकम्मल प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी। बिल्कुल, अगर दूसरी जाने बात की जाए तो गवर्नमेंट ने 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहले जून की जो एक कहले वैक्सीन की एक डोज 1 करोड़ डोजेस खरीदने का फैसला किया था पहले लॉट में, और मकसद के लिए तकरीबन 20 अरब रुपए की मंजूरी भी दी गई थी। उधर आलमी इदारा सेहत ने सैनोवैक को कोरोना वैक्सीन की हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तालीमी इदारों की, तो आज बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें 7 जून से तालीमी इदारे खोलने के हवाले से भी अहम फैसला किया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल की बात करेंगे, एसओपी से मतलब के बात करेंगे और अभी क्या सिचुएशन करंट मुख्तलिफ शहर और शहरी कैसे इसको हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ हुसैन साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ साथ एहतशाम बशीर हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे, और इसके साथ साथ मोहम्मद हारून हमारे साथ लाहौर से होंगे। आप तीनों को खुश आमदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो का हिस्सा भी बने। सबसे पहले हम लाहौर का रुख करेंगे, मोहम्मद हारून आपसे जानेंगे। अभी हम जिस तरह से बात भी कर रहे थे कि पहले पंजाब और स्पेसिफिकली लाहौर की बात करें, कोविड के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी तो केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, शहरी ये जो सख्तियां नरम हुई हैं इसके हवाले से कुछ लापरवाही का मुजाहरा तो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो कोरोना में लाहौर शहर जो है बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर था, और अब यहाँ पर उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा कमी भी वाकया हुई है, क्योंकि एनसीओसी के मुताबिक जो है वो 5% से ज़ायद जो इलाके थे वहाँ पर जो है सख्तियाँ की गई। तो लाहौर शहर की बात करें तो यहाँ पर 5% से ज़्यादा कम जो है वो शरह हो चुकी हुई है, कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेज कम हुए हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ईदुलफितर के वक्त से पहले जो है एक हफ्ता जो लॉकडाउन लगाया गया था उसने कोरोना के केसेज में नुमाया कमी लाने में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि कोरोना एसओपी के तहत तमाम जो मार्केटें थी इनको बंद कर दिया गया था, लोगों की आमदोरफ्त कम से कम हो चुकी थी, बैनर सुबाई और इंटरसिटी जो है ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया गया था। अब इन तमाम चीज़ों के रद्देमल ये सामने आया है कि कोरोना के केसेज जो इंतहाई कम होगा, लाहौर के अस्पताल जो तकरीबन 90% भर चुके हुए थे, और अब इनकी सूरत हाल यह है कि अब 50% से ज़्यादा जो है वो खाली हो चुके हैं कोरोना केसेज में नुमाया कमी की वजह से यहाँ पर। और अब इसी तहत जो है अब हुकूमत ने फैसला किया है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पाबंदियों को नरम कर दिया जाए। कल इन्होंने पार्क जो है वो खोल दिया गया, लेकिन
लेकिन ये कहा गया कि पार्क के अंदर जो है जो झूले हैं और जो इलेक्ट्रिक के जो दूसरी चीजें हैं उनके इस्तेमाल के लिए 50% जो है तरीका इस्तेमाल किया जाए ताकि कम से कम लोग गवर्नमेंट फोकस रखे हुए चेंज नहीं किया अभी। ठीक है, मैं वापस भी आऊंगा आपकी तरफ। काशिफ से जरा बात कर लेते हैं, चूंकि सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है और इंडियन वेरियंट भी है। एक तो काशिफ मुझे बताइए आप खड़े कहां पे हैं, क्या आप किसी वैक्सीनेशन सेंटर के पास खड़े हैं, और दूसरा ये कि कराची के शहरी पाकिस्तान की बड़ा पढ़ा लिखा शहर है, सबसे बड़ा भी और माशी हब भी है पाकिस्तान का, तो कराची के शहरी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस प्रेशर को जो कि वजीर आला सिंध ने किया है और कहा है कि अब हमारे पास हॉस्पिटल्स में गुंजाइश खत्म हो रही है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के सबसे बड़े मेगा वैक्सीन सेंटर में जो कि कराची एक्सपो सेंटर में मनाया गया है, और यहाँ पर कराची के शहरियों की बहुत तादाद रोज़ाना वैक्सीन लगा रही है। अब तक सिर्फ इस वैक्सीन सेंटर की बात की जाए तो 1.5 लाख से ज़ायद अफराद को यहाँ से वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रोज़ाना ताना तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग यहाँ से वैक्सीन लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो सुबह से आना शुरू कर देती है। अगर कराची के शहरियों के रद्दमल की बात की जाए तो ये इसमें फ़र्क देखा जाता है जो कि तालीम का रुझान जहाँ जिन सोसाइटीज़ के अंदर जिन आबादियों में ज़्यादा है ज़्यादा समझदार लोग रहते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा संजीदा पहले रोज़ से ले रहे थे, अभी तक वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन जिसे आप कहते हैं अवाम, जिसे कि रोज़ाना अपने रोज़गार के लिए जाने वाले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले, बाज़ारों में काम करने वाले मजदूर तबका, तो उसमें अभी तक इतनी संजीदगी नहीं है जिसको सिंध हुकूमत कोशिश करती है कि शाम 6 बजे से सख्ती लाई जाए और उनको इस बात की तलकीन की जाए कि वो जिम्मेदारी पूरी करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और ख्याल रखें। सो पीस का पेशावर का रुख करेंगे, एहतिशाम बशीर हमारे साथ। एहतिशाम, पेशावर के जो आवाम है उसका क्या रद्द अमल है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस ओवरऑल कम हो रहे हैं, पेशावर के शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। देखें, जब कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई थी तो केसेस काफ़ी ज़्यादा पेशावर से आ रहे थे और तकरीबन 90% जो है बताया जा रहा है कि अस्पताल में जो बेड्स मुख्तस किए गए थे कोरोना मरीजों के लिए वो काफ़ी भर चुके थे। इसीलिए लेडी रीडिंग अस्पताल जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा अस्पताल, उसको सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किया गया था उनके इलाज के लिए। तो जो ही हुकूमत ने लॉकडाउन किया है ईद के आयाम में, तो उसके बाद से कोरोना की जो शरह है उसमें कमी होती हुई नज़र आ रही है। आज जो सुबह अदाद शुमार जारी किए गए हैं सेहत की जानब से, तो ये जो पॉजिटिविटी शरह है वो तकरीबन 3.9 तक आ चुकी है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा की दिगर अजला है वहाँ पर भी शरह काफ़ी ज़्यादा कम आ गई है, वहाँ पर स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन पेशावर में अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है तो आवाम इस बात को संजीदा नहीं ले रही कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए। तो हम बाज़ारों में देख रहे हैं, होटलों में देख रहे हैं, दिगर इदारों में देख रहे हैं, वहाँ पर मास्क इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसी तरह लोगों से मिल मिलाप जारी रखे हुए हैं। यही हुकूमत का कहना है कि अगर अभी भी करने की जरूरत है। तो शाम आपसे दोबारा भी बात करेंगे, मोहम्मद हारून की जानिब आएंगे। और लाहौर की हम बात कर रहे थे वैक्सीन के हवाले से, हारून मैंने आपसे नहीं पूछा वैक्सीनेशन पे किस तरह से, क्योंकि स्टार्ट में हमने देखा था कि लोग थोड़ी झिझक महसूस कर रहे थे वैक्सीनेशन के हवाले से। अभी लाहौर शहर की बात कीजिए तो वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है, लोग कितने इंटरेस्टेड हैं वैक्सीन लगवाने में? जी बिल्कुल, तीसरी बाबा जब अपनी शिदत इख्तियार कर चुकी थी तो लोगों में एक डर और खौफ भी बैठा, जिसके बाद क्योंकि वैक्सीनेशन के हवाले से भी मुख्तलिफ इबहाम जो है लोगों के अंदर मौजूद थे, लेकिन हुकूमत एक अच्छी मुहिम चलाई, इसमें शोबेज के सितारे, क्रिकेट के सितारे और दीगर जो लोग थे उन्होंने अपना किरदार भी अदा किया और लोगों के अंदर ये आगाही पैदा की कि वैक्सीनेशन करवानी बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन का जो एक उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि इतनी उम्र से लेकर इतने उम्र तक के लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो आम खोल दी गई और वो वॉक थ्रू के जरिए करवाना शुरू करवा दिया, तो फिर अब लोगों की एक बहुत बड़ी लोग तारीफ कर रहे थे सिंध में कैसा, कराची में कैसा इंतजाम है, लोग मुतमईन हैं, क्विकली बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, मजमूई तौर पर बहुत बेहतर इंतजाम हैं और क्या कहते हैं, लेकिन मसला ये है कि आवाम की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बेतहाशा रश वैक्सीन सेंटरों पर देखा जाता है जहां जो आवाम है बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। यकीनन यहां पर एक मुनज़म तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है, पहले कवायद की तस्दीक की जाती है उसके बाद डोज लगाए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा शहरों पर भी आता है कि सब्र करें और काम है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून हमें लाहौर से ज्वाइन करे थे, काशिफ हुसैन हमारे साथ कराची से मौजूद थे, एहतिशाम बशीर हमें पेशावर से ज्वाइन करे थे। तीनों नुमाइंदों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया।
की, और सबसे बढ़कर हम सबकी एज अ शहरी जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम खुद भी महफूज रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी महफूज रखें। और जिन जिन लोगों ने SOPs का ख्याल रखा, अपना रोल प्ले किया किसी भी सूरत में कोविड को खत्म करने में, उनको हमारा खिराज तहसीन भी है, और अल्लाह करे हम जल्द मुकम्मल तौर पर इसे निकल आए। वैसे पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज आर डूइंग ग्रेट, अल्लाह करे कराची और सिंध में इसकी शरह कम हो जाए ताकि हम थोड़ा सा मजीद रिलैक्स हो जाए। ब्रेक हमारी बनती है, इसके बाद ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back to Espresso. और अब वक्त हुआ चाहता है over a cup of Espresso, over a cup of coffee का, जिसमें सना हमायूं आज हमें सोबिया महल की सैर करवा रही हैं, और जितना हमने देखा है बहुत ही कमाल है। आप देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना हुमायूं और आपको ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी सेगमेंट में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सोबिया महल में और यहाँ पर मैं कराऊंगी आपको सोबिया महल की सैर, तो आइए मेरे साथ। किला नुमा फसीलें और देवी देवताओं के मुजस्मे, मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान कहता ये सोबिया महल, जो जाहिद भट्ट ने अपनी बीवी सोबिया की मोहब्बत में बनाया। अब ये महल कब तामीर हुआ, कितना अरसा लगा, ये सब जानते हैं उन्हीं की जबानी, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत जगह है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। यकीनन हम बताएंगे आपको जो आप जानना चाहती हैं। यहाँ पर आकर लगता नहीं है कि ये एक इंसान की काविश हो सकती है या मेहनत हो सकती है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत सारे हाथ हैं, लेकिन आपसे डिटेल्स जानना चाहूँगी कि पहाड़ों के दामन में इतना खूबसूरत महल नुमा एक याद तामीर करना, क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्यों तामीर किया गया, किसके लिए तामीर किया गया? देखिए मोहतरमा, ये जो सोबिया महल है, जो महल देख रही हैं, ये तो प्योरली अपनी बेगम से इश्क था मुझे, तो मैंने सोचा कि एक खूबसूरत तख्लीक की जाए जो हमारे ख़ानदान में कम से कम हमारे पाकिस्तान में मकबूल हो, और अपनी आँखों से देख रहा हूँ मकबूल हुई। तो ये एक एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी में इश्क के मकाम को छू लिया, तो इश्क के बगैर कुछ नहीं होता, तो इश्क के ऊपर मैंने ये सारा सिलसिला अपने हाथों से, ये कीलें यहाँ तक जो लगी हुई आप देख रही हैं मैंने अपने हाथों से लगाई हैं, रब्बुल इज्जत अता करते रहे और मैं ये नेक काम करता रहा, तो ये सिलसिला ऐसे बन गया, पाए तकमील पर चल रहा। अच्छा, ये सोबिया महल तामीर कब किया गया और इसकी तामीर में कितना अरसा लगा? ये मोस्ट प्रोबेबली 80 में शुरू हुआ। ओके, 80 में शुरू हुआ और अभी तक बन रहा है। अच्छा, कहने का मकसद है बन तो गया, अभी भी छोटे मोटे बड़े मसाइल हैं जो मैं अपनी जिंदगी में कर रहा हूँ, लेकिन 95% कम्प्लीटली। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि इसमें बड़ी डिफरेंट किस्म की कलेक्शन है, पेंटिंग्स भी हैं, कैलीग्राफी भी है, मुजस्मे भी हैं, कितना अरसा आपको लगा ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने में और कहाँ कहाँ से आपने ये चीज़ें इकट्ठी की हैं? मोहतरमा, ऑलमोस्ट 45 years आई स्पेंड माई लाइफ टू कलेक्ट। ये मैंने मोस्टली लंदन, अमेरिका, पेरिस, ईरान, दुनिया के कोने कोने से, प्लस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तो जिस मुल्क में भी गया, जहां भी गए दास्तान छोड़ा है, तो वहां की चीजें ले आए। अच्छा, मुझे ये बड़ा खूबसूरत सा एक वुडन बेड नजर आ रहा है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, खासियत है? ये वाकई बड़ा खूबसूरत है, तो ये जाहिर है कि ये बेगम साहब जो थी हमारी, हमारे दिल में ये थी कि ऐसी चीजें तख्लीक की जाए, ऐसी चीजें बनाई जाए जो दिल के मलका आलम को पसंद आ जाए ना। बेसिकली कश्मीरी तर्ज का है, मतलब कश्मीरी जो है ना इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है। अच्छा, लोगों का वैसे ख्याल होता है जब आप बात कर रहे होते हैं सोबिया महल की, तो लोगों का एक परसेप्शन होता है कि शायद खुदा ना खास्ता सोबिया आंटी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद में बनाया हुआ है,
क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरे भी काफी थॉट्स थे, तो मैं जानना चाहूंगी कि मेरे देखने वालों को पता चले कि शी इज माशाल्लाह से अलाइव एंड शी इज हैप्पीली लिविंग हियर, और वो बहुत, उनका क्या रिस्पॉन्स होता था जब आप उनके लिए कोई चीज लाते थे या उनके लिए कुछ बनवाते हैं, हाउ हैप्पी शी वुड बी, बिकॉज एक शाहजहान थे जिन्होंने ऐसी मोहब्बत की लाजवाब दास्तान क्रिएट की, एक आप हैं, मतलब बीच में हमें कोई मिसाल नहीं मिलती, और तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? वो उनका रिस्पॉन्स ऐसे ही है, शी लव मी सो मच, ओके, बहुत प्यार करती हैं, इश्क करती हैं और हर चीज को अप्रिशिएट करती थी, और हम हमारी मिसाल लैला मजनू जैसी है दोनों की, ऐसे ही है। शोबिया महल की खूबसूरत आरामगाह जहाँ पर पेंटिंग्स, स्कल्पचर और उम्दा कारपेट, एंटीक 17वीं सेंचुरी के, बहुत खूबसूरत कमरा है, ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ ठहर गया है। अभी हम जा रहे हैं मोहम्मदी आर्ट गैलरी में जहाँ पर हम देखेंगे कुरान पाक के नुस्खे, तो आइए मेरे साथ। वेलकम टू मोहम्मद गैलरी। अच्छा, मोहम्मद गैलरी में मैं देख रही हूँ कि कैलीग्राफी आर्ट है, कुरान पाक के नुस्खे हैं, यूटेंसिल्स हैं जिन पे कैलीग्राफी हुई हुई है, और कारपेट भी हैं जिन पे कैलीग्राफी हुई हुई है, तो मुझे इसके बारे में बताएं कि क्या क्या है इसमें। मोहतरमा, ये मोहम्मद गैलरी जो है ना, मोहम्मद पीस भी अपान हिम, ये गैलरी जो है ना, मोहम्मद गैलरी में आपको जा बजा ज़्यादातर जो मोहम्मद गैलरी नाम रखा है, तो मोहम्मद गैलरी की के दुरूद पाक इसमें ज़्यादा है, दूध पाक रखे हुए हैं, कुरान मजीद रखे हैं, कैलीग्राफी लिखी है जो जिनसे नस्बत है नबी पाक के ज़माने जो लोग इश्क करते थे, लेकिन मोहम्मद गैलरी में मोस्टली दुरूद पाक हैं जो जो अजमत की निशानी है, और जो लाजवाब कलेक्शन है मेरे पास, और मोहम्मद गैलरी है, और फिर बाद में आपको अल्लाह गैलरी दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ आने से पहले जो मुझे लोगों ने इसके शोबिया महल के बारे में बताया था कि आपके पास कुरान पाक का एक बहुत ही कदीम नुस्खा है, हाँ, और रोज़े पाक की आपके पास चादरें भी हैं, और मैंने आपके पास बहुत छोटे छोटे वाले कुरान भी देखे हैं जो कैलीग्राफी है, सो अमेज्ड के ये एक ऐसा फन है। वो जो मिनिएचर कलेक्शन है ना कुरान पाक की, दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्शन अल्लाह ने मुझे दी थी, जिस तरह से भी नबी पाक का नाम लिखा तो उसको मैंने बड़ा मुकद्दम समझा। और ये आपने कहाँ से? ये कुछ तो ईरान से आई हुई चीजें, ठीक है, और ये गजनी की 1000 साल पुराने हैं, अच्छा। कोई मुगल पीरियड की चीजें हैं, तो कुछ ये प्याले हैं जिसमें आयतें लिखी हुई हैं, ये बहुत बड़ी कलेक्शन है, आपको बाद में ऊपर दिखाएंगे, इधर ही पड़ी है, जिसके ऊपर मैंने अमल किया और इसमें बड़े राज पाए मैंने, इसमें शफा है। औलिया कराम जब लिखते थे ना तो जो सब जो ज़हीन लोग थे वो उसको कुंदा कर लेते थे। मोहतरमा, ये जो कुरान मजीद का जो पारा है, ये अभी भी टिमटमाती शमा जो है ना, जो आर्टिस्ट थे ना, तो ये तो बेचारा गुजर गया, लेकिन ये अभी 10-15 साल पहले मैंने इन लोगों से ये कुरान मजीद लिखवाने शुरू किए, जो कश्मीरी जो लास्ट रह गए हुए थे, क्योंकि अभी नामुमकिन है इसको बनाना ना, ये अपना कश्मीरी तर्ज का कुरान मजीद हमने बनवाया, और ये देखे ज़ाफरान से और मरजान से और लेपस से इसको रास्ता किया, ठीक है ना, बाद में, और इस पे ऊपर ये आखिरी पन्ना जो है, तो ये अल्लाह ने मुझे सादत दी कि मैंने अपना नाम लिखा, फरमाइश मोहतरम जनाब मोहम्मद जाहिद परवेज भट्ट, ते अहले ईमान वालों, इज ए मैसेज फ्रॉम जाहिद कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह आपको इसका गुर यही है कि उसका से रो रो के मांगो जो आपको मतलूब है, जो आप चाहें यकीनन आपको मिलेगा। यूटेंसिल्स, ये इस्लामी विरसा है, जैसे कुरान मजीद है ना, ये भी इस्लामी विरसे में आ रही है ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं ना उस जमाने के, 1000 साल पुराने, 800 साल 700 साल पहले, ये मुगल पीरियड का जैसे ग्लोब है, ये हमायूं इसका मौजूद था, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। इसमें से जो मुहिम चीज़ है
वो ये है कि ये जो है, ये जो सफ़े है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हैं। अच्छा। ये मैंने ऑक्शनों से लिए थे, चमड़े में है ये। इसका कुरान मजीद भी मेरे पास महफूज है, मैं इसलिए रखता कि पीजलों में वो होता है कीमती चीज़ें जो है ना मैंने घर महफूज की हुई हैं, लेकिन इस पार्ट ऑफ दैट ये वाले सारे। और ये कैलीग्राफी अल्लाह जल जलालहू, ये जो है ना उसमें है, खते बिहार कहते हैं, सल्तनत पीरियड का 500 साल पुराने हैं, तो 700 साल, 500 साल, 600 साल ऐसी चीज़ें हैं ये। ये जो है ना गुलाब, ये रंगीन, उस जमाने रंगीन गुलाब बनाया करते थे, आजकल तो बिल्कुल ही ब्लैक है ना, तो ये भी बड़ा काफ़ी पुराने, मेरे पास सारे पुराने गुलाब हैं। वेलकम टू अल्लाह गैलरी। मोहतरमा, ये जो है ना, ये एक नया विजन था, एक ऐसा जुनून था जो बिगिनिंग जुनून यही था, जो कमिटमेंट थी विद ऑल माइटी अल्लाह कि परवरदिगार आलम, मगर मैं कश्मीरी मजलूम थे, क्योंकि मैं खुद भी जाती तौर पे कश्मीरी हूँ, तो इसका एहसास और मेरे दिल में था। ये लोटस है, लोटस नहीं है, ये देखिए, ये लोटस है, ये मैं सोचता हूँ कि मेरे दिल में एक बीज, कंवल का बीज खिला, अल्लाह ने खिलाया, और वो इसकी, इसको इससे तशबीह देता हूँ, लोटस बन गया। और जब मैं वहाँ गया ना श्रीनगर में, मैंने विजिट किया था, उसके बाद मैंने किताब लिखी थी, तो श्रीनगर में दे गॉट नथिंग, तो फिर मैंने जब भी कोई जाता था एक आध चीज़ गिफ्ट भिजवाता था, श्री प्रताप सिंह, उस पर मेरे नाम लिखा हुआ था, छोटी छोटी चीज़ें। सोबिया महल, और इस महल को देखकर वाकई कहा जा सकता है कि मोहब्बत करने वाले लोग आज भी जिंदा हैं, फिर चाहे वो मोहब्बत इंसान से हो, अल्लाह से हो, या अपने सकाफती विरसे से। इस जगह को आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का सकाफती विरसा भी करार दिया जा सकता है। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और अगले सेगमेंट में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। ये ग्रूव कब देखेगा मेरा? मैं भी ख्वाहिश लिए बैठी हूँ। जग सुपर लीग का CSL 6 की हम बात करें तो सस्पेंस तो बढ़ता ही जा रहा है, और कब होगा ये, यू नो, मुकम्मल कब होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे पर कब आएंगे, कब एक दूसरे पर हावी हो सकेंगे, ये सारा सस्पेंस बरकरार है। बिल्कुल, PSL 6 की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद एक मुश्किल अबू धाबी पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में मौजूद 7 अफराद अब भी वीजों के मुंतजर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सिवाय नसीबों के कोई भी रेडी भी नहीं है और शोर भी नहीं है। नसीबों कह रही है आई एम रेडी, आई एम श्योर, वो रेडी है, हम रेडी हैं, और पीसीबी बिल्कुल शोर नहीं है। खैर, वीजों का मसला खत्म नहीं हुआ था कि गुज़श्ता रोज अबू धाबी में पीसीबी को नई मुश्किल ने घेर लिया, जो मुख्तलिफ इंडियन ब्रॉडकास्टर्स थे उनको अबू धाबी पहुंचे थे, अबू धाबी की वजारत सेहत ने उनको वहाँ पे SOPs पूरे ना करने पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया, और भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को होटल से निकाल दिया, और ब्रॉडकास्टर्स को अबू धाबी से दुबई भिजवा दिया गया, और अब वो दुबई में ओबियसली क्वारंटीन 7 दिन का मुकम्मल करेंगे। और जरा ये भी कह रहे हैं कि पीसीबी अबू धाबी में सख्त प्रोटोकॉल्स के बायस PSL 6 शारजा मुंतकिल करने पर भी गौर कर रहा है। बिल्कुल, दूसरी जाने बात की जाए तो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान होने वाली मीटिंग में तय पाया कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल 24 जून को कराया जाएगा, लेकिन फाइनल तो हो जाएगा, PSL के बाकी मैचेस कब होंगे ये शेड्यूल अभी तक हमें नहीं मिला। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस मिर्ज़ा इकबाल बेग इससे बेहतर कौन बता सकते हैं हमें कि क्या सिचुएशन। मिर्ज़ा साहब, बहुत सस्पेंस चल रहा है, अभी सिर्फ फाइनल की डेट अनाउंस हुई है कि 24 जून को फाइनल कराएंगे। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि अब जो भी चैनल लगा हमें मिर्ज़ा साहब ही नजर आते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब को पता होता है जब तक हो नहीं जाता। मिर्ज़ा साहब, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बखैर इमरान और अरमला। वो एक जो गाना आया था ना PSL का, जिसमें था तैयार हो, तो लोगों से पूछ रहा था गाने वाला, तो अब लोग PCB से पूछ रहे हैं तैयार हो कि नहीं हो तैयार, और PCB जो है बिल्कुल तैयार नहीं है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और जो सूरत हाल है आज क्लियर हो जाएगी इमरान, तवक्को ये की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रात गए तक शारजा क्रिकेट स्टेडियम के मुंतजमीन से बात की है,
कि टूर्नामेंट को शारजा शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत से भी ये प्रेशर डलवा रहे हैं, हुकूमत से रब्ता करवा रहे हैं अबू धाबी की हुकूमत से कि वो जो भारतीय ब्रॉडकास्टर्स आए हैं वो विज चलाते हैं, और उसके अलावा मिक्सिंग वगैरह जो टेक्निकल चीजें हैं ना वो सारी चीजें वो लोग करते हैं। अगर विज चलाने वाला टेक्निकल वाला नहीं हुआ तो कैमरामैन क्या करेगा। बहुत सारे मसाइल हैं कॉमेंट्री के हवाले से, बहुत सारी चीजें। तो मुझे लग रहा है कि बातचीत जारी है, आज बिल्कुल क्लियर होगा। आज सुबह 10 बजे का वक्त दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने, जो अचानक खंदक से निकलकर बाहर आ गए और उन्होंने फ्रेंचाइज की कल मीटिंग की थी, और वर्चुअल मीटिंग जिसमें फ्रेंचाइजेस ने बड़े खंदक का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, हमने बहुत बेहतरीन लफ्ज के अचानक हाइबरनेशन मोड से निकलकर वो स्क्रीन पर आए और उन्होंने कहा कि जी लो मैं भी हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ। तो वो उन्होंने फ्रेंचाइजेस कल बड़ी बरहम थी जो मीटिंग हुई थी वर्चुअल मीटिंग, उसमें फ्रेंचाइजेस आखिर ये ड्रामा कब तक होगा। तो एहसान मानी साहब ने उन्हें सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया है कि वो बात करेंगे, शारजा के मुंतजमीन से भी बात करेंगे, और उसके अलावा हुकूमत के जो आला ओहदेदारान हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो कन्विंस करें अबू धाबी की हुकूमत को कि जो ब्रॉडकास्टर्स थे भारतीय ब्रॉडकास्टर्स उनको निकाल दिया गया था। अच्छा, दिलचस्प बात यह इमरान के जो भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से जो ट्रांस मीडिया और ब्लिट्स दो कंपनियां हैं वो बड़ी नाराज है, वो कहती है ये क्यों कहा जा रहा है टीवी पे भारतीय ब्रॉडकास्टर्स है। अब हम उन्हें अमेरिकन ब्रॉडकास्टर्स तो नहीं कह सकते, उनका जहाज रासुल खैमा भारत से आया था और वही लोग हैं। तो बड़े मसाइल हो रहे हैं, अल्लाह करे कि आज कोई ना कोई ये ऊंट किसी ना किसी करवट आज बैठ ही जाए। वैसे भी अबू धाबी में वहां पे हैं भी सहरा और ऊंट, अल्लाह करे ऊंट बैठ ही जाए किसी करवट। अच्छा मिसाब, आगे बढ़ते हुए ये इस वक्त जो आप हमें सिचुएशन बता रहे हैं ये तो ऑब्वियसली इसे मैं अगर कहूँ कि बहुत नाजुक सूरत हाल है तो गलत नहीं होगा, लेकिन दूसरी जानब मैं आपको थोड़ा सा अगर माजी में ले जाऊँ तो क्या ये फैसला ठीक था कि इस PSL को बाहर ले जाएं पाकिस्तान, जैसी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की सिचुएशन है, लाहौर में रेशो बहुत कम हो गई है, कराची में भी उतनी खतरनाक नहीं है जिस तरह पहले थी, तो आपके ख्याल में ये फैसला फंडामेंटली इट वाज इट अ राइट डिसीजन कि इतनी मुश्किलात हो गई उसके बाद हम करवा ही नहीं पा रहे PSL को? ये इमरान बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आड़ ले रहा है फ्रेंचाइजेस की, वो कह रहा है फ्रेंचाइज हमें कन्विंस कर रही थी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 जून से 20 जून तक डेट भी अनाउंस कर दी थी कराची में PSL की। अगर अपने मुल्क में होता तो इतने मसाइल नहीं होते, जो वीजे के मसाइल हैं, चार्टर्ड फ्लाइट्स के मसाइल हैं। एक चार्टर्ड फ्लाइट जो कराची से गई है दुबई, उसके 70 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिए। होटल्स की बुकिंग है, 4 होटल्स बुक्ड है, बहुत सारे मसाइल हैं, पैसे का ज़िया अलग हो रहा है और काम नहीं हो रहा, और PCB के 7 ऑफिशियल्स जो थे वो पहले से थे, 2 और हो गए, तो एहसान मानी के 9 रत्न जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है। बहुत मजेदार बातें कर रहे हैं, पहले आपने खंदक बोला फिर आपने 9 रत्न बोला, आज बहुत मजा आ रहा है मुझे ये बातें सुन सुन के, क्योंकि वाकई अब हम भी एक्चुअली इस चीज से तंग आ गए कि हम रोज बात करते हैं और अब फाइनल का ऐलान करके बाकी मैचेस का शेड्यूल नहीं है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस PSL के बाद प्लेयर्स को इंग्लैंड भी जाना है, सो उसकी सिचुएशन भी इनको क्लियर करने की जरूरत होगी। कल वो बात हुई थी मीटिंग में तो एहसान मानी साहब ने वसीम खान साहब से कहा कि भाई इंग्लैंड में रिक्वेस्ट करो कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा आगे कर दें, लेकिन उनके शेड्यूल 1-1 साल पहले के बने होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 2 दिन आगे कर देंगे, यानी कि पाकिस्तानी टीम को पहले 23 जून को इंग्लैंड रवाना होता, अब 25 जून को रवाना हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा मिर्साब, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक तो इस ये जो सारी सिचुएशन, ये सारा जो घमसान का रन पड़ा है और जो ना अहली रही है क्रिकेट बोर्ड की, इससे आपके ख्याल में PSL के ब्रांड को कितना नुकसान हुआ है? बेपनाह नुकसान पहुंचा इमरान। मैंने तो सारी PSL कवर की है जो दुबई में हुई, पाकिस्तान में 2016 में जब ये शुरू हुई थी तो हमारे वहमो गुमान में भी ना था कि नजम सेठी साहब का लगाया हुआ पौधा ये, मैं उनका बहुत बड़ा नाकिद हूँ, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल किया। लेकिन गुज़िश्ता 2 बरस से मौजूदा क्रिकेट बोर्ड मामला को बजाय सुलझाने के उलझाता चला जा रहा है, और इस ब्रांड को जितना नुकसान पहुंच, स्पॉन्सर्स बदल हो जाएंगे, फिर टेलीविजन राइट्स का मामला है, फ्रेंचाइजेस ओनर्स पहली अदालत में चले गए थे PCB के खिलाफ, तो बहुत सारी
चीजें काम कर रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा चैलेंज है और ये ब्रांड जो है अब इसकी बड़ी रुसवाई हो रही है पूरी दुनिया में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा सा हम प्लेयर्स के हवाले से बात कर लेते हैं, चूंकि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी मसला था आने का, तो कल सलमान साहब को मैंने सुना जो कराची किंग्स के ओनर हैं, उन्होंने उनका ये कहना था अपने ही चैनल के ऊपर कि जी ये पाकिस्तान इसको ले आना चाहिए और कराची के अंदर उन्होंने तो खैर कहा, लेकिन इसमें लाहौर की भी ऑब्वियसली तजवीज़ हो सकती है चूँकि एक बड़ा हिस्सा, इनफेक्ट आधे से ज़्यादा हिस्सा इसका लाहौर में भी होना था, तो अब आपको लगता है कि इस पर कोई डेवलपमेंट हो सकती है कि क्रिकेट बोर्ड दोबारा सोचे, या आपको लगता है कि नहीं अब शारजा या अबू धाबी ही आखिरी मंजिल है PSL 6 की? वो वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, जैसे अगर आप हाथ में रेत डालें और रेत धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू हो जाती है, इस तरह से वक्त निकलता जा रहा है हाथ से, बड़ा मुश्किल होगा। और कल की मीटिंग में सबसे ज्यादा जो वोकल थे वो सलमान इकबाल थे, जिन्होंने एहसान मानी से मुतअद्दिद सवाल किए, फ्रेंचाइजेस परेशान है, नदीम उमर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के वो परेशान है, आतिफ राना लाहौर कलंदर्स के वो परेशान है, सब परेशान है, सूरत हाल बड़ी गंभीर हो रही है। और मुझे नहीं लगता इमरान इतने शॉर्ट नोटिस पर ये जो है वहां धाबी से वापस कराची या लाहौर लेकर आए, हालांकि लाहौर में आप देखें 2% हो गई है शरह कोविड की, लेकिन मुश्किल लगता है। मुश्किल मिर्जा साहब, प्लेयर्स बकायदे तौर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं होटल में भी क्वारंटीन में भी, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है प्लेयर्स पे भी प्रेशर बढ़ रहा होगा, जब वो परफॉर्मेंस की बारी आएगी तो फिर उस तरह से फ्रेंचाइजेज भी एक्सपेक्ट करेंगी कि उनके प्लेयर्स डिलीवर करें, लेकिन इतने प्रेशर में कोई प्लेयर किस तरह से डिलीवर कर पाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा अरमला, जहनी तौर पर बड़े दबाव का शिकार है, कमरे में कैद है, कल वसीम अकरम की वीडियो भी आपने देखी होगी और प्लेयर्स भी अपनी वीडियो डाल रहे हैं, वो वही ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस तरह से थोड़ी होता है। लेकिन सुना है कि आज कुछ लोगों के जो क्वारंटीन खत्म हो गए हैं वो अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, लेकिन मुश्किल लग रहा है जब तक ये इसका स्केड्यूल नहीं अनाउंस होता, जब तक चीजें क्लियर नहीं होती, अबू धाबी में होगी, शारजा में होगी, होगी नहीं होगी, कब होगी, क्या होगा, बहुत सारे मसाइल हैं, क्यों कब कैसे के सवाल कितने बड़े फंड्स होते हैं, कितना ज्यादा पैसा होता है, हमारा क्रिकेट बोर्ड शायद सबसे अमीर इदारों में से है पाकिस्तान में, और इतना इंडिपेंडेंट है, इतना आजाद है कि ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए जा रहे हैं, नोबडी इज देयर टू आस्क देम। पहले उन्होंने PSL मुल्तवी करवाया अपनी गलती की वजह से, ब्रांड आपने कहा नाकाबले तलाफी नुकसान, फ्रेंचाइजीज इलाहदा से बेचारे परेशान और नाराज, और अब ये जो मुकम्मल एक क्योस की सूरत हाल है, तो नोबडी इज देयर टू आस्क देम, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने उर्दू का बड़ा अच्छा लफ्ज कहा, शुत्र बेमहार, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुत्र बेमहार ही है, और आप देखें कोई पूछने वाला नहीं, जब हेल्म ऑफ अफेयर्स पर अनप्रोफेशनल लोग होंगे तो यही हालात होंगे। हालांकि एहसान मानी साहब 2003 से 2006 तक ICC के सदर रह चुके, हम समझ रहे थे कि वो मामला को सुधारेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्ती यारी की बुनियाद पर, इनकॉम्पिटेंसी की बुनियाद पर लोगों का तकरर किया गया है, जो लाखों रुपए महाना तनख्वाह ले रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर प्रोफेशनल लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होते जो बात करना जानते, इस मौके पर नजम सेठी की याद आ रही है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, वही बात है, क्योंकि नजम सेठी ने वो एक श्रूड आदमी थे, वो हर चीजों में खुद इन्वॉल्व होते थे, यहाँ मानी साहब बिल्कुल गायब थे सीन से, और राशिद लतीफ का मैंने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मैंने ये खबर इसलिए चलाई कि एहसान मानी मुस्तैफी हो गए, ताकि वो जहां कहीं भी छुपे वो मंजर-ए-आम पर आ जाए। तो हाँ फिर अच्छा वो तरीका जहीन है ना, फिर उन्होंने क्या किया कि मानी साहब ने टेलीविजन चैनल से खुद बात की और उसने उन्हें कोट किया कि मेरे इस्तीफे की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, ये सब मैं अच्छा आखिर में ठीक है, आखिर में सब यह 1 मिनट लेफ्ट, आप आखिर में हमें ये बता दीजिए कि आप क्रिकेट बोर्ड क्या करें, आप सीनियर तजियाकार हैं और आप क्रिकेट को भी समझते हैं और गेम को भी, बैक एंड मामला को भी समझते हैं, कुछ मशवरा ही दे दें, अब क्या करें, कम अज कम PSL लोग इंतजार करें। मैं सब देखिए एज अ पाकिस्तानी तो हमारी ख्वाहिश है हमारा ब्रांड हो, अब अगर आज मुझे तवक्को है कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मामलात शायद इनके तय हो जाए, लेकिन अगर शारजा ये शिफ्ट हुए तो क्या अबू धाबी की हुकूमत नाराज नहीं होगी कि उनको एम्बेरसिंग पोजीशन में डालकर अब ये अबू धाबी से सामान उठाकर शारजा आ रहे हैं, शारजा अल्लाह करे हो जाए, अगर नहीं हुआ तो बड़े खतरात के बादल अभी तक छटे नहीं है, आपके यहाँ तो बारिश हो रही है, कराची में तेज चमकीली धूप और सख्त गर्मी है, दुआ करें कि खतरात के बादल टल जाए। खतरात के बादल टल जाए। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग इतना अच्छा और मजेदार तबसरा दिया, बहुत मजा आता है जब भी आप बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एक्सप्रेसो। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट और PSL के हवाले से बात हो रही थी, और जिस तरह से आज हमने एनालिसिस किया वैसे अब ना मुझे हंसी आने लगी है, पहले जरा अफसोस होता था, अब थोड़ी मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, आई फील बैड कि मैं इस तरह हमने वंस अगेन रिपीटिंग
दे, सिवाय नसीबों के इस वक्त हमें कोई तैयार नजर नहीं आता जो कह रही है कि आई एम रेडी एंड आई एम श्योर वे। उसके अलावा क्रिकेट बोर्ड तो ना रेडी नजर आता है ना श्योर नजर आता है, आई एम लाइक क्रिकेट बोर्ड, ना रेडी हूं ना श्योर हूं। तो देखते हैं, अल्लाह करे पीएसएल हमारा ब्रांड है, पीएसएल सलामत रहे, पीएसएल आगे चले। और इस वक्त तो जो सूरत हाल है वो काफी नाजुक सूरत हाल, इस पर बात करते रहेंगे और आपको बताते बहुत मुश्किल हो रही है। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का जो मौजू है वो हम अपने इर्द गिर्द अक्सर लोगों को देखते हैं, वो है बाएं हाथ से काम करना, बुनियादी काम करना, चाहे वो स्कूल का होमवर्क कर रहे हों या खाना खा रहे हों, कोई स्पोर्ट खेल रहे हों, कोई भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो काम जो वो बाएं हाथ से ही क्यों करते हैं, क्या वो किसी बीमारी का शिकार होते हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस टॉपिक के लिए वकार अहमद मलिक से बेहतर और कौन हो सकता है। वकार भाई, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे यकीन है कि बाएं, जब आप बाएं हाथ कह रही हैं यानी बाएं बाजू, तो बाएं बाजू से ये कुछ सियासी इस्तिलाह तो बाएं बाजू की जमात सियासी इस्तिलाह तो नहीं है, अभी ये बाएं बाजू की जमात के बारे में वैसे ही बात नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, सिर्फ और अगर गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया कि बाएं बाजू वाले जो हैं वो ज़हीन होते हैं तो वो तो बिल्कुल कोई फंडा पड़ जाएगा। हां जी, अच्छा वकार भी, ये टॉपिक के हवाले से बताएं क्योंकि नॉर्मली हम तो देखते हैं मेरे अपने घर में बहुत सारे लोग, ओवरऑल दुनिया में 10% जो पॉपुलेशन है वो लेफ्टी है। अच्छा, लेफ्ट हैंडेड है, और ये जो बाएं बाजू यानी जो बाएं बाजू इस्तेमाल करते हैं या लेफ्टी हम इनको कहते हैं ज़्यादा बेहतर है या आसान रिटर्न, तो ये जो लेफ्टी है ये 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन पूरी दुनिया जो डिजाइंड है वो तकरीबन राइट हैंडर्स के लिए है। यू नो कि अगर फर्ज कीजिए कि अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका जो टिन ओपनर है वो भी यू नो कि वो आपके लिए नहीं बनाया गया, ठीक है। आप जो कैंची है वो आपके लिए नहीं बनाई, एवरीथिंग। अच्छा, अगर आप बच्चे हैं और आप एक स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे जो डेस्क है तो वो राइट हैंडर्स के लिए है, ठीक है, आपके लिए तो कोई डेस्क नहीं है। और इमेजिन कि आप एज अ राइट हैंडर किसी उस तरह बैठे जिसमें लेफ्ट हैंडर, हमारे स्कूल में अक्सर बच्चे टेढ़ा होकर लिखते थे, टेढ़ा होकर लिखते, कितना मुश्किल है। ये पूरी दुनिया क्योंकि इकोनॉमी है 90% मार्केट क्योंकि राइट हैंडर्स हैं, सो हम आप देखिए कि मेजॉरिटी कैसे डिस्क्रिमिनेशन या तासुब या मुतासिब हो जाती है ना चाहते हुए भी अकलियत के हवाले से, अब क्योंकि ये 10% अकलियत है ना तो वो मुतासिब हो गई। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन की और बहुत सारी मतलब मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप ओवरऑल पूरी तारीख देख लें, हमारे यहाँ ये लाखों साल से ये इतनी पॉपुलेशन का प्रपोर्शन, यानी हम अगर देखते हैं लाखों साल पहले भी जो औजार और आलात और ये तमाम चीज़ें निकलती हैं तो हमें आइडिया होता है कि उस वक्त भी इसी तरह लेफ्टी का प्रपोर्शन रहा है। क्यों? इसकी न्यूरोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या बहुत सारी इस तरह की अभी तक कोई एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये क्यों है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ यह है कि ये आपकी चॉइस नहीं है, ऑफ कोर्स। और जब ये आपकी चॉइस नहीं है तो फिर उसके बाद ये कुछ चीज़ें जुल्म के ज़ुमरे में दाखिल हो जाती हैं जब हम उनको मेजॉरिटी, क्यों हम समझते हैं कि मेजॉरिटी ठीक। अब इमेजिन कीजिए डिस्क्रिमिनेशन तासुब का कि जो राइट हैंडर है, इसके लिए लफ्ज राइट जो है, यानी आप सोचिए ना वो राइट है और वो लेफ्ट जो है उधर से शुरू हो जाए। एग्जैक्टली, जो लेफ्ट है वो मतलूक या पुरानी अंग्रेजी में उसका मतलब था वीक या कमजोर, ठीक है, तो लेफ्ट के लिए हमें उन्होंने इस्तेमाल ही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है। हाँ, ये चॉइस नहीं, मतलब ये नेचुरल होता है ऑब्वियसली किसी जिसके अंदर, अक्सर वाले दैन हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि सुन्नत रसूल भी है, खाना सीधे हाथ से खाना, तो बच्चों को मारते हैं जब वो लेफ्ट हैंड से खाते हैं। मेरे अपने घर में मेरी बहन को इतना फोर्स करते थे कि वो राइट हैंड से बल्कि उल्टे हाथ से निवाला बना के राइट हैंड में पकड़ के मुंह में। देखिए, यूरोप में इस तरह का मामला हुआ कि इवन जो जो क्योंकि अक्सरियत ये समझती है कि हम ठीक है, तो उसकी वजह से जो लेफ्ट हैंड था उसको अगर कोई लेफ्टी था तो उसके बांध दिया करते थे पक्का। अच्छा। ताकि इस्तेमाल ही ना करे और राइट के लिए उस तरह करे और इंतहाई बुरे नताइज बरामद। अच्छा, बुरे नताइज नहीं निकले बिकॉज नेचर, देखिए नेचर ये क्यों कर रही है, नेचर इसलिए कर रही है कि उसके अंदर जब एक तनवो होता है ना, एक तनवो के अंदर से क्रिएटिविटी फूटती है। आप सोचिए कि लेफ्टी ना होते तो वसीम अकरम ना होता, ब्रायन लारा ना होता। मेरा सवाल आपने ले लिया, मैं कह रहा था कि लेफ्टी जो क्रिकेटर्स रहे हैं वो बड़े टॉप हिटर्स हैं, वो सारे लेफ्टी लेफ्टीज हैं। अच्छा, तो अगर हमें कोई हमारा राइट हैंड बांध दे तो कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा। और आप सोचेंगे किस तरह। अच्छा, कुछ सोशल प्रेशर्स की वजह से इस हद तक चले आप अलाउ ये भी कर सकते हैं कि ऑफकोर्स अगर आप राइट हैंडर हैं, अगर आपको तरबियत दी जाए तो आप कोशिश करके लेफ्ट से भी इस्लाम करने की एक आदत अपना सकते हैं ना, तो ये इतना शायद मुश्किल नहीं है। तो चले सोशल प्रेशर की वजह से हम ये कह सकते हैं बच्चों को आप ये कहें कि चले दाएं हाथ से इस्लाम कर लें या इसी तरह कोई और इस तरह की चीजें हैं तो चले थोड़ा बहुत, लेकिन ये जुल्म के जुमरे में आ जाएगा कि एक चीज जो कि चॉइस नहीं है, एक चीज जो कि उसके बस में इख्तियार में नहीं है। मैं राइट हैंड, राइट हैंड का मतलब ये है कि इट्स ड्रिवन बाय लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, और जो वो है उसका राइट साइड ऑफ द ब्रेन, और ये टोटल बायोलॉजिकल है।
वो कैसे वो करेगा, उसको फोर्स इंपोज कैसे कर सकते हैं। और इसमें ये है कि मैं आपको इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि फिर हम ये समझें कि जो राइट और लेफ्ट की प्रोडक्टिविटी है इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं, इसमें नहीं है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। सिर्फ ये है कि मेजॉरिटी में राइट हैंडर्स हैं और जो लेफ्ट हैंडर्स हैं वो माइनॉरिटी जो है ना। कंक्रीट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इसका कोई क्रिएटिविटी से, इंटेलिजेंस से कोई इस तरह का ताल्लुक हो, लेकिन ये है कि ये मालूम जरूर हुआ है कि इसका जेनेटिक्स के साथ जरूर ताल्लुक है। इस तरह के जो बच्चे हैं, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी जो वाइफ है वो लेफ्टी है, ओके, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि जब दो वालदैन जो हैं दोनों राइट हैंडर हों तो 9% चांसेस होते हैं कि कोई बच्चा लेफ्टी हो। अगर एक राइट हैंडर और दूसरा लेफ्ट हैंडर है तो देर आर 19% चांसेस के बच्चा लेफ्टी। अगर दोनों लेफ्ट हैंडर हैं तो देर आर 26% चांसेस के बच्चा लेफ्टी। अच्छा अच्छा, हम में क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो लेफ्टी है तो एक बच्चा जो है वो लेफ्टी है, ठीक है, और वो अभी मतलब राइट भी है और लेफ्टी भी है, लेकिन मोस्टली उसका जो डोमिनेंट पार्ट है। मेरे पेरेंट्स में वकाफी दोनों दे आर लाइक राइट हैंडेड, लेकिन मेरी एक बहन, मेरा एक भाई और मेरी एक नीस जो है वो दे लेफ्टी। 10% पॉपुलेशन मतलब बड़ी पॉपुलेशन, 70 करोड़ लोग हैं दुनिया में जो लेफ्टी हैं। लेकिन बहरहाल इमेजिन कीजिए कि जो, देखिए मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई सजा दे या कोई इस तरह करे कि नहीं तुमने नेचर के अगेंस्ट उस पर जाना है, पहला मरला जो लेफ्टी के लिए वो ये है कि अडॉप्टेशन इस दुनिया में, जो दुनिया जो हमने बनाई हुई है वो राइट हैंडर्स के लिए ही बनाई हुई है, इसमें उन्होंने अडॉप्टेशन करनी है। मतलब मैंने बहुत सारे लेफ्टी देखे हैं वो जो कैंची इस्तेमाल करते हैं, वो राइट हैंडर की कैंची है लेकिन अब उनके लिए बनी हुई है तो उन्होंने वही इस्तेमाल करी। एक तो उनके लिए, अगर वो राइट हैंड, अगर लेफ्ट हैंडर्स राइट हैंडर्स के लिए बनाई गई चीजें इस्तेमाल कर लेते, इसका मतलब लेफ्ट हैंडर्स आर अ बिट मोर टैलेंटेड देन ऑफ द राइट हैंडर। एग्जैक्टली, मतलब अगेन वो अपने आप को सिचुएशन, टैलेंटेड भी, अडॉप्टेशन का एक पूरा मरला उनको तय करना पड़ता है, तो ऑलरेडी उनको इतना बड़ा मरला तय करना पड़ता है तो उन पे थोड़ा सा एहसान करें, तो उनको मतलब ये ना करेंगे आप। स्पेशली हम पेरेंट्स के हवाले से बात करें, बच्चों में नॉर्मली होते हैं तो पेरेंट्स उनको बड़ा प्रेशराइज करते हैं, इवन स्कूल में भी जाते हैं खाने के लिए, और साथ वाला स्टूडेंट है वो भी मजाक उड़ा रहे होते हैं बच्चे की, ये लेफ्ट हैंड से लिखता है, ये किस तरह लिखता है। इनफैक्ट जिससे आप डेस्क की बात कर रहे थे, लेफ्ट हैंडर्स बेचारे बड़ी मुश्किल से डेस्क पे रख के लिखते हैं। सो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी कुछ हमें मैसेज देना है। देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो सोशल प्रेशर्स या कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं जिनपे हम बात नहीं कर सकते उस तरीके से, मतलब अगर मैं बिल्कुल एक एक बायोलॉजिकल उस प्रेफरेंस से बात करूँगा या न्यूरोलॉजिकल, तो फिर मेरा बिल्कुल किसी और जगह मैं खड़ा हो जाऊँगा। तो लेकिन ठीक है, जो सोशल प्रेशर मैं कह रहा हूँ कि एक हद तक ठीक है, मसलन या इस्लाम की हद तक ये ठीक है, खाना खाने की तरबियत की हद तक ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है। मैं अपने आप को पाता हूँ कि अगर कोई मुझे लेफ्ट से कहे कि इससे खाना खाना है तो मुमकिन है कि मुझे एक हफ्ता बहुत मुश्किल हो लेकिन मैं खा लूँगा। ये जो जुल्म है ना कि आप कहें कि वो लिखे भी उस साइड से, यानी राइट हैंड से लिखे, और तमाम वो काम जो कि, अच्छा एक और मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, क्योंकि आप जब आपकी जो मोटर मूवमेंट है वो सिर्फ ये नहीं है, आई का भी उसके साथ सिंक होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जितने हम काम कर रहे होते हैं, ये आपके आपके पाँव, आपके हाथ, आपकी आईज, ये तमाम आपस में सिंक होते हैं। जब आप उसको कहते हैं कि इससे तुम बॉल फेंको जो कि उसका हाथ नहीं है, तो आई बॉल का भी उसके साथ सिंक नहीं होगा। अब क्या करेंगे आप, आई बॉल को भी पकड़ के उसके साथ सिंक करेंगे, कैसे करेंगे? ये जुल्म है ना, तो एक सिस्टम है, तो अजीब सी सिचुएशन में खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में वो ज्यादा क्रिएटिव होगा। अच्छा, ये कौन सी एज होती है जिसमें ये डिटरमिन होना शुरू हो जाता है? तकरीबन ये 6 महीने से, यानी एक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये 2 साल तक कन्फर्म हो जाता है कि बच्चा जो है 2 से 2.5 साल तक ये लेफ्ट ही है, उससे आइडिया हो जाता है। अच्छा, फिर इनको ऑब्वियसली हम, पता नहीं मुझे कहना चाहिए स्पेशल तो नहीं कह सकते, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जैसे हम कह रहे हैं कि देयर हर क्लास के अंदर भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं, हर फैमिली के अंदर भी 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि आपने भी बताया, उन्होंने भी बताया, तो क्या इसके लिए फिर बाकायदा तौर पर हम लेफ्टीज की सपोर्ट के लिए कोई ऐसा सिस्टम लेके आना चाहिए? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्टीज, मतलब हमें उनका एहसास है कि आप उनकी जो जेनेटिकली चेंज है उसको कैसे आप बदल सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि ये टॉपिक जो है ना आपको कहीं और नहीं मिल सकता, इतना एक्चुअली में टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमने खुद नहीं सोचा था कि हम कितना आम रूटीन में इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो क्या करें, इनके लिए जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि इनको राइट हैंडर बनाना छोड़ दें, ठीक है, इससे बड़ी खिदमत और कोई भी नहीं है। बाकी ठीक है, बाकी वो देखे नेचुरल है, वो चलते, वो बहुत सारी जगहों पर आपसे बेहतर परफॉर्म करेंगे बिकॉज दे आर लेफ्टी, और जब लेफ्टी होता है वो जिस तरह वसीम है, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि और ये ब्रेन ला रहा है, तो वो अपने लेफ्ट होने की वजह से उन्होंने नई टेक्निक्स और नई चीज़ें, मैं कह रहा हूँ ना कि नेचर अपने अंदर क्रिएटिविटी और इख्तरा लाने के लिए इस तरह की वरना पिछले 5 लाख साल से हमें औजार और आलात और फॉसिल्स में हमें बहुत आइडिया हो रहा है कि ये हमेशा से इस तरह का प्रोपोर्शन रहा है 10%। अच्छा, ये तो आपने कह दिया पेरेंट्स के हवाले से या दूसरे हम जैसे लोगों के हवाले से सोसाइटी के, कि आप प्रेशर ना करें उनको, जो लेफ्टीज हैं ऑलरेडी जिन पे ये प्रेशर पड़ रहा है उनको आप क्या कहेंगे बीइंग साइकोलॉजिस्ट?
वो क्या करें? तो मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि इस चीज़ से तो वो बिल्कुल निकल आना कि कोई ये कोई अबनॉर्मिलिटी है, ये कोई किसी तरह की कोई चीज़ है, वो किसी जगह पे हमारे वो नॉर्मली टेप बॉल क्रिकेट होती है ना हमारे स्ट्रीट्स में भी और गांव वगैरह इलाकों में, तो हम कहते हैं खब्बा जो है ना छक्के बड़े लंबे 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 एग्जैक्टली उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप ये सोचिए जो खब्बे है ना उनको ये सोचना चाहिए कि नेचर में किसी जगह पे वो एक्चुअली एडवांटेज में उन्होंने एक ऐसा एडवांटेज लेना है जो राइट हैंडर कभी भी नहीं ले सकता, भी नहीं ले सकता। वो एक ऐसा एडवांटेज मुझसे ले सकते हैं और हमने देखा है कि वो ले और हमेशा कहते हैं कि जो ओपनिंग जोड़ी होती है अगर एक राइट हैंडर और एक लेफ्ट हैंडर हो तो वो बड़ा ट्रबल करते हैं। उसकी एक वजह है मसलन एक राइट हैंडर है जो बॉलर है और तमाम बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसी हैं क्योंकि 90% लोग दुनिया में राइट हैंडर्स हैं तो तमाम टेक्निक्स मसलन जो बैट्समैन है ये कुछ जितने वो तमाम टेक्निक उसमें से एक लेफ्टी उठता है और तमाम टेक्निक और इस पर हम मजीद भी बात करना चाहेंगे ऑन एंड ऑफ क्योंकि वकार भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं और ये वाला टॉपिक हम रूटीन में हम अपने घर में अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों में चीज ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे नॉर्मली अगर लेफ्टिस्ट वुड बी सो हैप्पी टुडे है ना आज हम आपके राइट्स की बात कर रहे हैं आज हम आपके क्योंकि यू आर नो मोर अ लेफ्ट आउट लेफ्टी यू नो आप हमारे पाशे कहा हम इससे हमने आपके बात की वगैरह भी थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने सारी चीज का एनालिसिस किया। आई होप जी आप देखेंगे खासतौर पे हमने कहा कि प्रेशर ना करें वो बच्चे या वो लोग जो कि लेफ्टीज हैं उन पे प्रेशर ना करें और लेफ्टीज के लिए हमारी ये है कि कीप गोइंग लंबे लंबे छक्के मारते रहे। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और आज बहुत अरसे बाद हम कुछ आज आपके लिए ग्रीन एप्पल स्लश है और मैंगो डिलाइट है, दोनों रेसिपी डिफरेंट है, एक फ्रेश फ्रूट के साथ है एक आपका फ्रोजन फ्रूट के साथ। मैंगो डिलाइट की है आपने मैंगो प्यूरी ले लेनी है, ये फ्रेश मैंगो आप थोड़ा सा उसको ना स्क्यूज कर लें और साथ लेमन जूस है 10 ml और 20 ml आपने शुगर ऐड करनी है और सोडा ऐड करना है, ठीक है, और साथ जो ग्रीन एप्पल है उसके लिए आपको 10 ml लेमन जूस 20 ml ही शुगर और साथ आपको आप एप्पल जूस भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास सिरप है तो आप सिरप हाँ, वैसे अभी तो चूंकि मैंगो का मौसम भी आ गया तो बहुत सारे लोग ये तो बहुत फ्रेश ड्रिंक होगा तो आप बनाना शुरू करें और साथ बता भी दें हमें थोड़ा बहुत आप पहले मैंगो डिलाइट बनाने लगे। जी बिल्कुल पहले मैंगो डिलाइट क्वांटिटी होनी चाहिए इसकी होनी चाहिए 40-60 ओके ताकि आपको फ्लेवर ज्यादा मिले, ठीक है, इसलिए 3 spoon फुल भर के 3 spoon और साथ फिर आपने लेमन जूस मुझे बहुत थोड़ी है सोडा और आप इसमें सोडा ऐड कर लेंगे और ये आपका मैंगो डिलाइट ग्रीन एप्पल स्लाइस के लिए मुझे ब्लेंडर चलाना पड़ेगा। वैसे आई वुड लव टू टेस्ट इट नोमान क्योंकि जिस तरीके से आपने दो लेमन और मैंगो का कॉम्बो मैंने पहले नहीं किसी अच्छा वैसे ड्रिंक्स में नॉर्मली ये कॉम्बो होता है और ये चूंकि अब शेफ नोमान इसमें 40 ml आपने ग्रीन एप्पल समझ नहीं आता इसमें क्या क्या अच्छा इसमें ये क्या आपने ऐड किया है ग्रीन एप्पल सिरप 40 ml और 10 ml लेमन जूस और इसमें शुगर I thought आप इसमें फ्रेश एप्पल जूस यूज करेंगे जी फ्रेश एप्पल भी यूज कर सकते हैं और आपके पास अगर सिरप है कोई एप्पल का तो वो भी यूज कर सकते हैं उसके बाद इसमें ठीक है अच्छा चलें आप जरा इसको बनाएं हम वापस आते हैं और इसको दिखाते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन आपको। मीनवाइल डॉक्टर कैसर सजाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि इस वक्त एक स्टोरी है मेरे पास इनफैक्ट पाकिस्तान की एक न्यूज़पेपर की है तो वो मैं आपको पहले बता दूं बर्ड फ्लू चिकन के हवाले से जी चीन में पहला केस 41 साल एक साहब है उनके अंदर कन्फर्म हुआ और ये चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पहला चिकन बर्ड फ्लू केस कन्फर्म हुआ है चीन के अंदर जियांगजू जो उनका सूबा है उसके अंदर और ये बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि इससे पहले हम कोविड से लड़ रहे हैं और भी हुआन चाइना से आया था तो ये इस पे जरा अपडेट हम डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस के हवाले से हमें बताइए ये बर्ड फ्लू किस्म का है और इसका क्या इंपैक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके हवाले से थोड़ा सा प्लीज हमें बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्चुअली देखिए बर्ड फ्लू पाकिस्तान में भी आ चुका है 2005 और 6 के अंदर बहुत शिद्दत के साथ था और उस वक्त कराची में
50 लोग इंतकाल कर गए थे और 2 लोग शायद इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे। मतलब कुछ इस तरह से आई थिंक मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाद में जब ये रिसर्च हुआ है और जब काम हुआ पाकिस्तान में तो पता ये चला है कि देखिए ये बर्ड फ्लू ज़रूर है, इसमें मुर्गियाँ ज़रूर मरती हैं, लेकिन लेकिन इसमें वुमेन का कोई ऐसा कोई खतरा नहीं होता है बर्ड फ्लू के साथ। तो ये एक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं समझता कि बर्ड फ्लू मुर्गियों में तो आता है लेकिन इंसान में भी ट्रांसफर। डॉक्टर साहब असल में खतरा ये है कि कोई वायरस की कोई बिगड़ी हुई शक्ल ना हो ना, क्योंकि जुकाम तो पहले भी होते थे लेकिन कोरोना एक मुख्तलिफ किस्म का जुकाम आ गया या नमूनिया आ गया। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। अब जो सूरत हाल है कि ये मैं 2005 की बात कर रहा था कि जिस वक्त पाकिस्तान में एसोसिएशन ने इसको ब्रेक किया था और ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अब चूंकि जिस तेजी से वायरस डिफरेंट वायरस म्यूटेट करता है वो हमें सिर्फ एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाना चाहिए, क्लोज वॉच करना चाहिए, क्लोज वॉच करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन ह्यूमन हेल्थ को ऐसे कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर कैफी सजाद मौजूद थे बिल्कुल, और कोविड की वजह से पहले बहुत ज्यादा केयरफुल सिंस इट्स चाइनीज सो वी कैन नॉट से येट एनीथिंग। अच्छा जी, अब अपने देखने वाले से हम इजाजत लेंगे, जाते जाते हम ड्रिंक की फाइनल शक्ल दिखा देते हैं। जी ये शेफ नुमान ने मैंगो डिलाइट और साथ ग्रीन एप्पल ड्रिंक बनाया, और इसके लिए थैंक यू शेफ नुमान, बहुत शुक्रिया, आपसे हमारी मुलाकात होगी। फीडबैक देखिए, बाकी टाइम नहीं, बाकी फीडबैक आप सोशल मीडिया पर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।